कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जन्म कर्म च में दीपम एवं जहाति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और ये कर्म ये अप्राकृत और दिव्य है। अगर ये तत्व को रहस्य को कोई समझ जाए जब वो फिर शरीर छोड़ता है फिर ये संसार में दोबारा उसका आना ही नहीं पड़ता। फिर वो मेरे धाम को चला जाता है। कभी कभी हम कहते हैं ना अरे हमने जैसे जन्म लिया भगवान तो वैसे ही जन्म लेंगे। बोले नहीं, कल सुने हैं ना ठाकुर जी जन्म लेने से पहले चतुर्भुज रूप लेकर दर्शन देते हैं, सारे पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और भगवान छठ बालक बन करके प्रकट हो गए। कभी बच्चा ऐसे होता है जन्म लेने से पहले कभी तुमको बोला है तेरे पूर्व जन्म में तुम ये थे पूर्व जन्म में ये था और मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अजो अपिसन अभयात्मा भूताना अपि ईश्वर अपिसन प्रकृति समधिष्ठाय समवामी आत्मय। कहते अर्जुन मेरा जन्म नहीं लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले फिर क्यों जन्म लेते हो? बोले जीवों को भर में भक्तों को कृपा करने के लिए। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं होते तो कल जो हमें बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हर जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। अरे हम धूमधाम से क्या भगवान की उत्सव मनाते घर में बैठ करके बेटा बेटी नाती पोती की बात में लग रहे थे पर हमारी कल्याण कैसे होता। इसलिए ठाकुर जी कहते अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। मैं भक्तों को अनुग्रह करने के लिए ये लीला मैं करता हूँ। इसलिए ठाकुर जी फिर क्यों जन्म हुए हमारे टीकाकारों ने उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। आज मैं आपको बताऊंगा कल आपसे सुनूंगा देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। मैंने कहा था कि कापी और नोटबुक लाने के लिए बताया था ना कोई लाए हो? अब याद करने के लिए कोई नहीं है आपको कथा भी खत्म हम भी खत्म लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं 7 दिन में तुम्हें इतने ज्ञान मिल जाए फिर क्या करो। जैसे कल सरिता दीदी आई थी ना कथा सुना दी हम भी चाहते हैं हर घर घर में ठाकुर जी कथा हो और जिस घर में ठाकुर का कथा कीर्तन हो ना वो घर घर नहीं है वो वृंदावन। इसलिए नारद जी एक समय भगवान से पूछे बोले ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो? देखो ठाकुर स्वयं क्या कहते हैं बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में भी नहीं
बोले फिर ठाकुर जी रहते हो कहा? बोले एक जगह पर तुम मेरे को पाओगे जहां मेरे कीर्तन और कथा हो, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए आप सूरदास का के छवि देखे होंगे, जब श्री सूरदास जी भजन गा रहे हैं, स्वयं बांके बिहारी कृष्ण आकर के ऐसे हाथ लगा करके सुन रहे हैं, हैं? इसका मतलब है भगवान की कथा के सबसे बड़ा श्रोता कौन है? कहते सबसे बड़ा श्रोता स्वयं ठाकुर जी। ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को जितना प्यारा लगा ना, दुनिया में और किसको इतने प्यारा नहीं लगता है। ठाकुर जी को ठाकुर जी की कथा जैसे प्यारा लगता है। आप लोग जयपुर गए हो? कोई नहीं गए। आप लोग भारत में जन्म लिए लेकिन कहीं नहीं जाते, सब तीर्थ में जानी चाहिए। जयपुर में एक गोविंद देव भगवान है, वहाँ पर एक संत हर साल कथा करते थे। एक साल कथा की, जब दूसरे साल में आए कथा करने के लिए, तब उन्होंने भक्तों से पूछा, बोले बताओ पिछले साल मैंने जब कथा की थी कहाँ पर मैंने ये कथा को विश्राम दिया था भागवत में, उसको बाद में फिर मैं शुरुआत करूँगा। सब भूल गए, कल क्या खाया आज ही याद नहीं रहता, और एक साल पहले कथा सुनाए थोड़ी याद रहेगा। सब भूल गए, इधर उधर झांक रहे थे, उसको मुंह इसको मुंह देख रहे थे। इतने में व्यास ने कहा, लगता है तुमको ही कथा ध्यान से नहीं सुनते हो, लगता है यहाँ पर कोई नहीं जो कथा ध्यान से सुनते हैं। ठाकुर घर से आवाज आई, गोविंद देव आवाज दिया, बोले व्यास दी आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनते? मैं सुनता हूँ ना। ठाकुर जी स्वयं बोले मैं कथा सुनता हूँ ना, अपने कथा यहाँ पर समाप्त की थी, इसको बाद में फिर शुरुआत होगी। स्वयं ठाकुर जी बोले। इसलिए भगवान की कथा में इतने रस इतने आनंद है, ठाकुर जी स्वयं अपना कथा को स्वयं सुनते हैं। अगर घर घर में हरि चर्चा हो, दुनिया में घर में बैठ करके अगर अब हरि चर्चा नहीं करोगे ना, सांस बोहन की बात बोलोगे और क्या बोलोगे? उसका तो कुछ बोलोगे, ये जीवा लपर लपर करता है, कभी बंद नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, चुप नहीं होगा। पर क्या बोलो, बोलना तो भगवान की कथा बोलना। सबके सब घर में बैठ जाओ और ताली बजाते हो, थोड़ा कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, घर में थोड़ी सी भगवान की कथा हो, हैं? फिर तुम्हारी घर घर नहीं भगवान का धाम बनेगा, ठीक है ना? सारी कथा भी याद करना, कल मैं पूछूंगा। आज मैं 10 कारण बताऊंगा भगवान क्यों जन्म लिए, कल मैं सुनूंगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा तुम लोग क्या याद किए हो, ठीक है? सब ध्यान से सुनो। उसका कुछ साधारण कारण कुछ विशेष कारण है। बोले साधारण कारण क्या है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, वो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। यह पहला कारण है। क्या दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्ताना, मैं भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए आता हूँ, हैं? इसलिए भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर आते हैं। कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या? कहते जो प्रिष्णी और सुतपा जो देवों की वसुदेव कल सुने, ये पूर्व जन्म में प्रिष्णी और सुतपा थे, ये दोनों ने राजा और रानी, लेकिन राज्य भोग नहीं करके उन्होंने केवल सूखे पत्ते को खा खा करके 12,000 साल तक भगवान विष्णु की आराधना की। जब भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, बोले बरमागो, बोले ठाकुर जी आप जैसे मेरे को भी बेटा चाहिए। ठाकुर जी बोले भैया मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे मैं ही होता हूँ, क्योंकि वेद कहता है न तत् समस्याभ्य अधिकस्य देशते, भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, दुनिया में ठाकुर के बराबर भी कोई नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊँगा। इसलिए वही कहते ये देवकी और वसुदेव बन करके आए और ठाकुर जी उनके घर में बेटे बन करके आए। कितना कारण हुआ है, लेकिन आप कोई कथा नहीं सुन रहे, कितना कारण हुआ? 3 कारण हुआ है। चौथा कारण बताए, ये द्रोण और धरा ने ये ब्रह्मा जी को उपासना की, कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले बरमागो, बोले ठाकुर जी हम चाहते हैं ठाकुर जी हमारी लाला बनकर के हमारे घर में आए, जैसे स्वाभाविक रूप में के माँ
अपना पेट से बच्चे को जन्म देती हैं। हम चाहते हैं ठाकुर जी मेरे पेट से जन्म ले, और जैसे बच्चा नटखट करने पर माँ डांट लगाती है, उसको शासन करती है, पल्ले में झुलाती है, गोद में बैठा करके उसको लाड़ लड़ाती है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ अब मेरे घर में जन्म हो। पर वही जसोदा और नंद बन करके आए, हम अभी कथा सुनेंगे। नंद जसोदा बन करके आए, ठाकुर उनको इच्छा पूरी किया। कितना कारण हुआ? चार कारण हुआ। पंचमा कारण बताए, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिस समय भगवान वामन देव आए बलि महाराज के घर में, बलि महाराज का एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। माताओं का स्वभाव है किसी सुंदर बच्चे को देख लेना इच्छा करता है उसको गोद में लेकर के उसको प्यार करे। अभी ठाकुर जी वामन बनकर के आए, भगवान बड़े सुंदर थे, अभी इनकी बेटी की इच्छा हुई अगर ये मेरे बेटा बन करके आता है ना, दिन भर इसको मैं गोद में लेकर के लाल लड़ाती और मैं स्तन पान कराती। ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं, अगली बार मैं तेरे बेटा बन करके आ जाऊंगा। इसलिए वही बन करके आई, ये पुतना बन करके आई। ठाकुर जी को उन्होंने गोद में उठाए, स्तन भी पिलाई, चूंकि वो राक्षसी बन करके आई थी इसलिए ठाकुर जी उसको मार डाले। लेकिन क्यों मार डाले? कारण है जिस सब उतर ई भावना को की, लेकिन ठाकुर जी जब दो पग में विश्व ब्रह्मांड को नाप ली, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, उन्होंने उनको नाक फांस बंधन में बांध दिया। इतने में उसको बड़ा क्रोध आए, बोले बड़ा दुष्ट है, एक तो मेरे पिताजी का सर्वस्व हरण करके ले लिया और मेरे पिताजी को उसने नाक फांस बंधन में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। इसलिए वही पुतना बन करके आई। इसलिए इस कितना कारण हो गया? पांच कारण हो गया। छठवां कारण बताए, बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता उन्हें दंडकारण्य में पहुंचे, उसी समय पुतना आ गई, उसी समय आ गई सुपर्णखा आ गई। भगवान राम रूप देख करके इतने मुग्ध हो गई और बड़ी सुंदर ठंड बन करके आई। बोले देखो मैं जितने सुंदरी, भगवान तुम्हें भी इतना सुंदर बनाया, हमारा जोड़ी बड़ी प्यारा, मेरे से ब्याह कर ली। बोले भैया ऑलरेडी मेरी तो सीता है। बोले इसके अंदर में क्या रखा हुआ है? हड्डी रखा हुआ, देख मैं कितने सुंदर हूँ। बोले मैं तो एक पति व्रतधारी हूँ, दूसरे पत्नी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण गया हुआ था लकड़ी लेने के लिए, जब लकड़ी लेकर के आया, बोले ये कौन है? बोले मेरे छोटे भाई है। बोले ये तो देखने में कम सुंदर है, ये तो बड़े सुंदर है। बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन मना कर सकता है, पूछ करके देख ले। तब उसे लक्ष्मण को पास में गया, बोले मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण ने कहा तुमने बड़े भैया से कुछ बोल रहा था? बोले वो मेरे प्रेम का बात वो नहीं समझा, तो समझोगे? बोले ये बताओ तू रानी बनोगे ना दासी बनोगे? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का दास हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर दासत्व तो करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, रानी बनने की स्वप्न देख रहे, जा प्रभु के पास में जा। फिर प्रभु के पास में आए, भगवान फिर इनकार कर दिया। इसको इतना क्रोध आया, बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? है साधारण नहीं, लंका पति रावण का मैं बहनी हूँ, ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, इसको खा जाओ ना सब खत्म हो जाएगा, शादी तभी तो करोगे। इतने में अपना भयंकर रूप उसने निकाली, सीता पर जब आक्रमण करने के लिए गई, इतने में राम बोले उसका नाक कान काट दे, और सुपर्णखा को उसने नाक कान काट दिए। बोले नाक कान क्यों काटे? भैया शादी नहीं करना, शादी मत कर, उसका नाक कान क्यों काटे? कि कहते ये लक्ष्मण कौन है? बोले ये गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है जीव को परमात्मा से मिलाए। लेकिन लक्ष्मण गुरु जी उसने देखा ये तो ऑलरेडी ठाकुर को हृदय में बैठा चुकी हूँ, ठाकुर उसको जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन जब तुम ठाकुर की बन गई फिर और किसकी बन करके मत रहो। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान काट दो, दुनिया में कोई पूछेगा उसकी फिर शादी होगी? कोई उसका शादी नहीं करेगा। बोले और किसकी बन करके मत रहो, राम की बन करके रहो। फिर वही कृष्ण लीला में ये कुब्जा बन करके आती हैं, पर हमारे जो कन्हैया ठाकुर जी जब मथुरा में जाते हैं फिर ठाकुर जी कुब्जा को ग्रहण करते हैं। कितना कारण हो गया? अरे बोलो, छह कारण हो गया। इसका सप्तम कारण बताते हैं, जिस समय भगवान राम ने
गए जनकपुरी में गए, इतने में राम लक्ष्मण बोले, बोले गुरु जी थोड़ा ये हमने सुना ये जनकपुरी बड़ा सुंदर है, एक बार ये जनकपुरी को दर्शन करके आए। बोले दर्शन करने के लिए मत जाओ, दर्शन देने के लिए जाओ। है करने नहीं, दर्शन देने के लिए। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए, क्या सुंदर ठाकुर जी, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर पहने, दोनों धनुष बाण, क्या जैसे मतवाला हाथी जैसे चल रहे थे। जो एक बार देख ले प्रभु को वो हल्ला मचा देता है, क्या दो सुंदर बालक आए। जिस गली में जाए बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। अरे कोई जय को है बोल रहे, जोर से बोले जयकार दो, बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। अभी जिस गली में जाए उसी गली में प्रभु की जय जयकार हो रहा है। कुछ सखियां तो झरखों से देख रहे थे, लेकिन कुछ सखियां छत के ऊपर खड़ी होकर के दर्शन कर रहे थे। जो छत के ऊपर में थी ना, ठाकुर का दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था। बोले क्यों? बोले भगवान का स्वभाव था, भगवान राम कभी भी सर उठाकर के ऊपर कभी नहीं देखे, कभी पराई स्त्रियों के ऊपर कभी उन्हें बुरे नजरें नहीं डाले ठाकुर जी। हर समय सर को नीचे करके ठाकुर जी चलते थे। ठाकुर तो नीचे करके चल रहे थे, लेकिन सखियां छत के ऊपर खड़ी थी, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में सखियों ने थोड़ा खास है सोचा, अगर खास लेना हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर देखेंगे तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन ठाकुर तो देखने वाले है ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी दूसरे पराये नारी को देखते ही नहीं, कभी वो सर ऊंचा ही नहीं किए। लेकिन पीछे पीछे कौन चल रहे थे? बोले लक्ष्मण। कहते लक्ष्मण का मतलब गुरु। बोले गुरु क्या करता है? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। अभी लक्ष्मण बड़े दयालु, संत बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए कहते ना संत हृदय नव नीत समाना, संत बड़े दयालु होते हैं। इतने में उन्होंने प्रार्थना किया, बोले प्रभु जी देखो आपका जो सखिया ना छत के ऊपर खड़ी है, आपको दर्शन करना चाहते, थोड़ा दर्शन करो। राम ने कहा लक्ष्मण ये जनकपुरी है मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सीधा चलो आगे, देखना नहीं सीधा चलो, नहीं तो फंस जाओगे माया में। लेकिन और थोड़ी दूर गई तो फिर सखिया खास। लक्ष्मण बोले प्रभु थोड़ा दर्शन करना, देखो कहते जीवन में हमें गुरु क्यों बनाते हैं, संतों को क्यों गुरु बनाते हैं? कारण है अगर हम जो भजन करेंगे ना, हमारी भजन से ठाकुर संतुष्ट होने वाले नहीं। जब हम किसी गुरु को ग्रहण करते हैं, कहते वैष्णव रे आवेदने कृष्ण दयामय, जब गुरु जी हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते, ठाकुर जी जीव को पर कृपा कर, तब भगवान कृपा करते हैं। हमारी साधन भजन से ठाकुर जी दर्शन देने वाले नहीं। लक्ष्मण गुरु जी जब उन्होंने फिर प्रार्थना की, अभी गुरु जी के तो कथा सुनना पड़ेगा, इसलिए इतने में भगवान राम ने थोड़ा ऊपर देखा। ऊपर देखते ही प्रभु जी की इतने सुंदर रूप था, और जितने सखियां खड़ी होकर दर्शन कर रहे थे ना, सबके सब बेहोश हो गए, सबके सब बेहोश हो गई। जब होश आया ना, सबके सब राम को पीछे पड़ गए, बोले हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। बोले लक्ष्मण तेरे को पहले बोल रहा था ऊपर में देख मत, देखो अब पीछे पड़ गए ना, शादी करने तू शादी कर। भगवान राम ने कहा देखो इसी जीवन में मैं सीता सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आई हो, तुम्हारा इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वही सबके सब जनकपुरी के जो सखियां ना सीता जी की सहेली गोपी बन करके आई, ये गोपियां कोई लड़की नहीं। इसलिए भगवान राम कितना कारण हो गया? सात। आठवां कारण बताए, भगवान जब दंडकारण्य में प्रभु राम पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। गोपाल मंत्र का इष्ट कृष्ण है, हैं? लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन जब राम श्याम एक ही है, राम को देखते ही उनको श्याम की याद आए, सबके सब प्रभु राम को पत्नी रूप में प्रार्थना की। राम बल नहीं, इसी अवतार में नहीं, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा में पूरी करूंगा। फिर वही जो ऋषि चरी, जितने बड़े बड़े ऋषि लोग थे, वो सब के सब द्वापर युग में गोपी बन कर आए, और ठाकुर जी उनकी इच्छा को पूरी की। कितना हो गया? आठ, दस में नहीं हुए, नहीं हुए। इसलिए इसकी नवमा कारण बताते हैं, ठाकुर जी किस लिए आए? अब रामायण देखे होंगे, जिस समय भगवान राम ये अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे,
वशिष्ठ जी ने कहा देखो पत्नी के बगैर कोई शुभ काम तुम नहीं कर सकते। बोले सीता जी को तो वनवास त्याग दे दिया वनवास में। बोले तेरे पिता भी तो तीन तीन शादी की तो और एक शादी कर ले। बोले नहीं रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए वरु वचन न जाए। मैं कभी और किसी स्त्री को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। भगवान ये सब शिक्षा देकर गए ऐसे नहीं एक को शादी किया और दूसरे से प्रेम कर रहे। भगवान ये सब शिक्षा नहीं किया। इसलिए कृष्ण लीला में तभी कोई उतर सकता है जब कोई राम लीला को अपना जीवन में उतारे। राम लीला को उतारे बगैर कोई कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान हो करके मर्यादा कैसे रक्षा करनी चाहिए, अपना घर गृहस्थी को कैसे निभानी चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रीति हो, बहू बहू में कैसे प्रीति हो, पिता माता से कैसे प्रीति हो, हमारी घर कैसे अच्छे तरह से चल सके, ये राम भगवान राम ही ये सब चीज को शिक्षा देकर गए हैं। ये ठाकुर जी शिक्षा दिए। बोले राम एक सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हैं, और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। बोले और कोई उपाय बताओ। बोले नियम है क्षत्रियों के लिए सोने की सीता तो बना करके बाम पार्श में रख करके फिर शुभ काम कर सकते। बोले ये कर सकते। तो उन्होंने हर साल एक एक यज्ञ करते थे। ठाकुर जी 11,000 साल तक राजोत्तर की अयोध्या में हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी। भगवान अपना बाम पार्श में रखते थे और उसी में वशिष्ठ जी प्राण संचार करते थे और साक्षात सीता हो जाती थी। साक्षात सीता बन जाती थी। भैया इतने सीते गए कहाँ पे, सब ये सीता गए कहाँ? कहते यही सीता ही सबके सब द्वापर युग में प्रभु की गोपी बन गया। देखो हमारे कन्हैया कितने दयालु, कितने दयालु कृष्ण। यहाँ सिखा देते हैं भैया साथ भजन करना तो कन्हैया को भजन करो, कृष्ण को भजन करो। कोई कुबड़ी हो जिसको दुनिया में कोई रखे ही नहीं, जिसको दुनिया त्याग दे दिया ना, बस एक बार अगर बांके बिहारी को पास में आकर के बोल दे तू मेरा और मैं तेरा हूँ, ठाकुर जी किसी को छोड़े नहीं, ठाकुर जी सबको उन्होंने ठाकुर जी ग्रहण कर लिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से जय बोलो। बोले श्री नंद के लाला की जय। जय अभी पूरी नहीं की 10 करो। हाँ देखो और एक कारण बताए भगवान ये गोपियों को साथ में जो प्रभु ने रास की है हैं, रास करते करते गोपियों की जो त्याग इतने बड़ी त्याग थी। कृष्ण स्वयं कहते गोपियां न पारे अहम निरबद्ध सजुजाम स्वसाधु क्रीत विबुधाई वसापि। बोले ब्रह्मा जैसे अगर मैं परमायु ले लूं, हे गोपियों तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग दिया है, भाई बंधु पुत्र परिवार को तुमने एक तरफ में रख करके मेरे प्रेम में वशीभूत तो होकर के सबको त्याग दे करके मेरे पास में आए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं बोले स्वागतम महाभागा। इसलिए भगवान उनको स्वागत करते हैं, हे महाभाग्यवती मैं तुम सबको स्वागत करता हूँ, क्यों तुम लोगों ने सब त्याग दे करके मेरे प्रेम में दीवानी बन करके मेरे पास में आए हो। ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी तुम्हारी ऋणी से कभी मैं ऋणी हो ही नहीं सकता हूँ। यहाँ ठाकुर जी शिक्षा देते हैं भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने वशीभूत होते हैं। ये शिक्षा देते हैं भगवान ने भक्तों ने जैसे मेरे को वशीभूत किया और विशेष ब्रज गोपियां जैसे मेरे को वशीभूत किया, दुनिया में और कोई मेरे को प्रेमी इतने वशीभूत नहीं कर पाए। ठाकुर जी ये चीज को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी जगत में अवतीर्ण होते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तन को हितकारी में
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, कथकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कल सके कारागार में प्रकट हुए। आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके आए। देखो ये एकदम नई कथा है, ध्यान से कर सुन। कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा। क्या नाम था? परजन। परजन मतलब मैं। इनके थे पांच बेटे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। इनके पांच बेटे थे। जब बच्चे सब शादी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को उन्होंने काम धाम में सब नियुक्त कर दिया। एक दिन श्री परजन बाबा पांच बच्चों को उन्होंने बुलाए। बच्चों को बुला करके बोले, देखे बच्चों, तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गया, काम धाम में तब सब ठीक ठाक हो, हम चाहते हैं अभी ये वानप्रस्थ लेकर के दोनों पति पत्नी भजन करने जाए। देखो पहले ये नियम था, रामायण देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, पहले ये नियम होता था बच्चे गुरुकुल में जाते थे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करके गुरु जी की सेवा करते थे। जब ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाए 25 साल के बाद में फिर गुरु जी प्रश्न करते थे, बल बच्चों बताओ अभी क्या करो। जिनको ये ज्ञान होता था ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते, ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है और भजन करना ही जीवन का कर्तव्य, कहते थे गुरु जी हम आपका चरण में रह करके आपकी सेवा करते हुए हम संसार से मुक्त हो जाना चाहते। लेकिन जिनको शरीर में बहुत ही ज्यादा था, संसार के बगैर रह नहीं सकते,
गुरु जी कहते थे बेटा जाओ घर में जाओ, जाकर के लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना। तुम्हारी जात कूट नीति के अनुरूप पिता माता जहां तुम्हें शादी कराएंगे वहीं पर शादी करना। कौन कौन शादी किया हो? हाँ तो क्या सब शादी किए हो? हम लोग ये बताओ, हम लोग ये बताओ, आपने जब शादी की थी अपना पति को देखने गए थे तुम? नहीं गए। पति ने तुम्हें देखने आया था? नहीं आया था। यही पहले नियम था। बड़ा आनंद से जीवन बीत गया है। लेकिन अभी का जो लड़का लड़कियां ना ऐसे शादी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। फटो में काली गोरी तो फटो में नहीं दिखा रही, कितने लंबी चौड़ी, कितने कितने लिखाई पढ़ाई। कुछ कुछ माता आज मेरे से माला लेने के लिए आई थी, मैंने कहा माता जी मुझे पढ़ाई किए, बोले स्कूल गए हो ना, हैं स्कूल गए। देखो उनका जीवन आनंद से बीत गया, आनंद से बीता कि नहीं। लेकिन अभी के जो लड़का लड़की पता नहीं कितने लिखे पढ़े, लेकिन उनका जीवन बीत रहा है? नहीं बीत रहा है। इतने लड़ाई झगड़ा होता है, वो डाइवोर्स करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए पहले जो हमारी नियम था ना, लड़की को स्कूल में जाने नहीं देते थे, नहीं तो थोड़ी सी कोई हिसाब किताब जान लिया ना, घर पर घर में रहो, जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में रहो। और जल्दी जल्दी शादी कर लेते थे और आनंद से जीवन बीत जाती थी। लेकिन अभी आनंद से जीवन नहीं बीतती है, आनंद से जीवन नहीं बीतती। लड़ाई झगड़ा जितने ज्यादा लिखी पड़ी हो ना, इतना फ्रॉड बन रही सबके साथ है। इसलिए गुरु जी कहते थे बोले देख बेटा जाओ घर में जाओ, जाकर के अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करो। और शादी करके बोले कब तक शादी करके रहोगे? बोले शादी करके 50 साल तक। कितना साल तक? 50 साल, उसको बाद में नहीं। इसलिए देखना 50 को बाद में जो अंक आती है ना, एकावन, कितना अंक क्या आता है बोलो जोर से, एकावन। बावन मतलब घर में नहीं बन में जाओ। भागवत कहता है 50 ऊर्ध्व वनम व्रजेत, 50 साल के बाद में घर में रहने के लिए मना करता है शास्त्र। वन में जाओ, जाकर के भगवान की दोनों पति पत्नी जाकर भजन करो वृंदावन। इसलिए एकावन बावन चौवन ये सब वन वन शब्द आता है, भजन के लिए जीवन मिला है। अभी 25 साल तुम घर गृहस्थी हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ज्यादा टांग गड़ा कर मत रहा करो, नहीं तो भोग के साथ में लड़ाई होगी। चाबी काठी लेकर के ना भोग के साथ में लड़ाई होगी। इसलिए कहते थे वृंदावन जाओ और भजन करो। इसलिए देखो उसको बाद में क्या अंक आता है, 68 60 61। अगर तुम भजन नहीं करोगे ना, फिर सठिया बन जाओगे, फिर कुछ होने वाले नहीं है। बांस जब कच्चा हो ना वो टेढ़ा हो जाता है, लेकिन पक जाए तो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए पहले पहले क्या करते थे, बांस 50 हो गया, बच्चों को हाथ में सब दे करके, बच्चे हम वृंदावन जा रहे हैं, महीना महीना में कुछ भेज देना और हम दोनों पति पत्नी भजन करे, सत्संग सुने, भगवान की भजन करते हुए बीता। ये नहीं नियम था पहले। रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? अब देखना, जब एक दिन दशरथ महाराज सीसा में अपना रूप को देखा, केवल एक बाल पक गया, बोले और नहीं, और नहीं संसार में। राम को बुलाया, बोले बेटा मैं चाहता हूँ तुम राज सिंहासन में बैठा करके हम पति पत्नी हम दोनों बांध प्रस्थ में जाए, संतों का आश्रय में रहे, कथा सुने, भगवान की भजन करते हुए जीवन बिताए। रामायण देखे होंगे ना। इसलिए 50 साल के बाद में घर में मत रहा करो। हाँ देखो, अगर तुम घर से बाहर नहीं जा पाए, इतना सुविधा नहीं, अरे कम से कम घर में तो बैठ कर भजन करो ना, बेटी बहू की चुगली फुगली में जिंदगी भर बिताओ। इसलिए क्या करो, कम से घर में तो, घर को तो वृंदावन बनाओ, घर में तो रह करके भगवान की भजन करो, साधन करो, घर में तो प्रभु की भजन करो ना, घर में रह करके, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते 7 दिन को बाद में तुमको ऐसे बना करके जाए, 7 दिन को बाद में तुम्हें ऐसे बना करके जाए, तुम्हें जैसे तुम सबके सब 7 दिन में सबके सब ब्रज गोपी बन जाओ। क्या बन जाओ? जोर से बोलो, सब ब्रज गोपी बन करके हम चाहेंगे घर घर में जैसे भगवान की भजन कीर्तन हो, सबके सब ठाकुर जी की माला जप करो, ठाकुर जी की भजन करो, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी उन्होंने बोले हम चाहते हैं हम चले जाए,
भजन करने के लिए सबसे जो बड़ा बेटा उपानंद को हम चाहते हैं राज सिंहासन में बैठा कर। लेकिन उपानंद ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, ये नंद में, मझला बेटा नंद में। जैसे पंच पांडव थे ना, पांडव में मझला बेटा कौन है, कौन बोले हाथ में? पांडव में मझला बेटा कौन था? जोर से बोलो, है पागल कौन था? भैया बोले निकल ताली भैया, तुम लोग क्या बोलते हो? रामायण महाभारत देखकर, इसलिए जैसे मझला बेटा अर्जुन था, इसलिए कृष्ण का सखा था ना अर्जुन, सबसे सबसे प्यारे भगवान कृष्ण की, उसी तरह ये पांच बच्चों में मझला बेटा श्री नंद। नंद मतलब क्या है? कहते आनंद है दीति नंद, जो सबको आनंद दे। तब उन्होंने आनंद कैसे दिया, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उन्होंने कृष्ण को जन्म दिए और सारा दुनिया कृष्ण भजन करके वो आनंद कर रहे, आनंद दिया है, इसलिए उनका नाम नंद। देखा सचमुच से यही राजा बनने का योग्य है, क्योंकि इसके हृदय में सभी प्रजाओं को प्रति पुत्र देने की भावना। राजा कौन बन सकता है? ऐसे नहीं जब तक गद्दी में बैठे तब तक लुटते रहे प्रजाओं का, नहीं। राजा वह हो सकता है जो प्रजा को पुत्रवत देखे, तभी कोई राजा बन सकता है। सचमुच से ही उन्होंने प्रजा को पुत्रवत देखते थे, तब उनको सिंहासन में बैठा करके श्री बर्जन बाबा चले गए। जब चले गए, अभी चार बच्चों का तो बेटे हैं, लेकिन नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी है। उनने हर तरह का बार व्रत किया लेकिन तब भी घर में कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने देखा एक एकादशी आई जिसका नाम था पुत्र एकादशी, मतलब जो एकादशी व्रत करने से घर में संतान संतति बेटे होते हैं। बोले हमने तो सारे व्रत करके देख लिया लेकिन घर में संतान नहीं हुआ, अभी तक हमने ये पुत्रदा एकादशी नहीं किया, चलो ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं। जब व्रत करके सोए ना, ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न होना कभी कभी वो स्वप्न सही हो जाता है। देखो क्या स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवाक स्थली पयोधार स्फुट मसौ क्या देखा? जसोदा बोली मैंने देखा मेरे पीछे एक सुंदर श्याम रंग का बालक माँ माँ करते करते पीछे से कपड़े खींच कर बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, भैया मेरे को दूध पिला ले, मैं चल रहा था। बोले नंद बोले मेरे स्वप्न देख ले, मैंने देखा तेरे कोख से कोख में गोद में श्याम रंग का एक सुंदर बालक पौड़ रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय उनको दोनों धार से दूध बहते हुए कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में एक बेटा है। और उसी रात को ही भैया जसोदा गर्भ धारण की, अरे ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के लाला होने वाला है। बोले नंद के लाला की जय, अभी सारे ब्रज में जय जयकार हो रहा है, नंद के लाला होए वो। और जितने ब्रज गोपियां थी, छह छह महीना पहले तो 84 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी, बोले नंद के लाला होगा तो हम बधाई देने जाएगी। और जितने ब्राह्मण जितने ब्रजवासी बगलबंदी धोती और सबके सब पगड़ी बना करके रखे, और अभी मैया को शरीर में गर्भ धारण करने का कुछ लक्षण देखने को मिल रहा है। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले मैया जब तुम कुंवारी थी जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे हैं। तो डर गई, पहला वाला बच्चा बोले दो बच्चे होंगे, वो तो डर गई। बोले फिर क्या होगा? बोले चिंता मत करो, राम जो करेगा अच्छो करोगे, कोई चिंता मत करो। और एक गोपी बोली, बोले मैया लगता है तेरे पेट में लाला होने वाला है। बोले पत्तों कैसे पड़ो? बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहे, ये शास्त्र में बता रहे हैं, अगर होठ अगर पीला पीला दिखे तो क्या समझो गर्भ में बेटा का जन्म होने वाले हैं। गर्भ में जो बच्चे हो, कहते माता को चटपट चीज अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा ये सब चीज। इतने में मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। तो उन्होंने एकदम प्योर गैया के दूध में घी डाल करके, मिश्री डाल करके, काजू किशमिश डाल करके खीर बनवाई और श्री सालग्राम को भोग लगवाए और लगा करके उन्होंने मैया को उन्होंने भोजन करवाए।
एक होता है गर्भ संस्कार, जितने माताएं ध्यान देकर सुनो, गर्भ संस्कार उससे कहते हैं जब तुम्हारी पेट में बच्चा हो, अगर तुमको ठाकुर को सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाई दे, अगर रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो ना, मैया जो करता है वो बच्चे के ऊपर वही असर पड़ेगा। जो ना कोई कोई बच्चा तो बड़े अज्ञानी होते हैं, सवेरे उठ करके प्यार छुएंगे और उनको सेवा करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बचपन से बड़ा दुष्ट होते हैं, कोई बात मानते नहीं, कोई कारण किया है, ये गर्भ संस्कार, ये माँ की दोष है, हैं? इसलिए मैया अगर उस समय अगर डिस्को ध्यान से देखे, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी फिल्म देखे, फिर गुंडा बनकर के बचाएगा। लेकिन अगर गर्भ में अगर गीता भागवत पढ़ोगे, रामायण देखे हो, देखना मैया सीता, अब देखे हो कि मैया सीता जब गर्भवती थी अयोध्या में सारे बड़े बड़े संत लोग आए, बड़े सत्संग हुई, भगवान राम स्वयं कहते हैं, बोले सीते देखो ठाकुर का क्या सुंदर जोर है, इतने बड़े बड़े संत अपने आप आए, सीता के लिए एक आसन देकर के बैठे, बोले सीते अगर तुम इसी समय संतों की वाणी सुनोगे, बच्चे तुम्हारी बड़े संस्कारी बनेंगे। कौन हुए? लवकुश देखे हो, क्या पराक्रमी लवकुश हुए, राम की राम को राम कथा सुनाए, देखे ना लवकुश को कितना बचपन में सबको उन्होंने धराशायी कर दी। कारण क्या है? गर्भ में उन्होंने रहते समय सत्संग सुने। इसलिए आप लोग जितने माताएं उल्टा पुल्टा चीज नहीं देख करके भगवान की कथा सुना, सुंदर सुंदर कथा पढ़ो, ठाकुर जी को देखो, बच्चा तुम्हारी अच्छा बनेगा। इसलिए मैया जसोदा को सुंदर सुंदर राम की कथा सुना रही है, भगवान की तस्वीर ठाकुर को दर्शन करा रही, भगवत कथा सुन रही है, हैं? अभी उनकी एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो सुनंदा तो 6 महीना पहले घर में आकर बैठी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती ना, जब बेटा होगा, पहला बेटा होगा तो मेरे को नवला की हार मिलेगी, इसलिए वो 6 महीना पहले से घर में आकर जम करके बैठी गई और सारे घर का काम काज को भाग भाग कर कर रही है। आज ऐसे लग रहा था आज रात कोई लाला की जन्म ही जाएगा। गांव में पहले क्या होता था, 8 बजे खा पी करके सो जाते थे सबके सब, बोले 8 बजे तक तो जगे रहेंगे, लेकिन 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12 सबको दे दो, मजीरा ढोलकी बजाए और ठाकुर का कीर्तन करे। सबके सब गा रही थी, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय तक जिनको ड्यूटी लगाई, जोग माया आकर के सब के सब घूम चुला दिया, कहां चिमटा गिरी, कहां ढोलकी गिरी, कहां मजीरा गिरी, किसको बतोई ना, वो सब के सब बेहोश होकर पड़ी हुई। तब श्री वसुदेव महाराज ने मथुरा से बेटे को लाए और बेटी को लेकर चले गए, किसको पता ही नहीं पड़ा, हैं? इतने में सब के सब सोए पड़े हुए और सबसे सवेरे सुनंदा की आंख खुली, क्यों? उसको तो चैन नहीं आ रही थी, भैया का बेटा होगा तो नवला की हार मिलेगी, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी, एकदम सवेरे सवेरे उसकी नींद खोली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए। बोले भैया भाभी का क्या हालत है? दरवाजा खोल कर देख रही है, मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर के लाला किलकर मारते हुए गोद में खेल रहा है। बोले भैया कब भैया का बेटा हो गया, किसको पता ही नहीं पड़ा, ये सबसे पहला खबर में भैया को दूंगा, था मेरे को नवला की हार मिलेगी, लेकिन भैया ही का ढूंढो, और ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में जाकर के देखा भैया तो बैठ करके माला जप कर रहे थे, वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे छोरा कब है को, छोरा कब है को, लाला कब है को, लाला यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जा करके बोले भैया कमाल ही गए, इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहनी कहा भयो? बोले 6 महीना पहले से बैठी हूँ, बता पहले क्या मिलेगा, पहले तो बोल दे, ये नवला की हार के चक्कर में तो बैठी हूँ,
इसलिए नंद भगवान बोले ले ये नवला की हार ले ले हैं, बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार है? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, इसलिए बता और क्या मिलेगा। बोले ले वो जमुना किनारा में गैया चरते है ना, वो जितने जमीनी जगह तेरे पर लिख देता है, आज से तू इसकी मालिक बन जा, बता तो सही कहा भैया है। बोले भैया वो भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार दे दिया, सारे जमीनी जगह तेरे नाम पर लिखा दिया कल नहीं। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बता और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का टुकड़ा पकड़ ले, जो इच्छा तू खोल करके ले ला, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। जोर से ताली बजाओ। बोले श्री नंद के लाला की जय। नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए और जितने ब्रजवासी थे बोले भैया लाल नंद बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे। अरे कम से कम श्रद्धा जगह जा, बड़े सुंदर बगलवती धोती पगड़ी बना दिया, तिलक लगा दिया, गले में सुंदर मातमोलनी मोती की माला पहना करके बोले देख कैसे लगता है। बोले भैया बढ़िया तो लग रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले दाढ़ी थोड़ा सफेद है। बोले चिंता क्यों करते, उसको भी कलर करा देते हैं, जब उसका रंग कराते हैं। बोले देखो अभी कैसे लग। बोले भैया चोखा लग रहा। बोले जा अभी लाला को दर्शन करो। नंद बाबा पता नहीं कब से प्रतीक्षा कर रहे थे घर में लाला कब होगा। जब उन्होंने पहला बार लाला का मुख दर्शन किया ना, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने मन मन में 20 लाख गैया को उन्होंने मन मन में संकल्प कर दिया, संत ब्राह्मण को हम गैया देंगे। और उन्होंने संकल्प किया 7 तीर का पर्वत मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके हम ब्राह्मण संतों को दान देंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया, पहले बोले ये ब्राह्मण को और संतों का आशीर्वाद से लाला मिलो है, पहले उनको बुलवाओ और बुलवा करके उनसे स्वस्ति वाचन पढ़ाओ। और बुला करके उनको बड़े सुस्तन से उन्होंने स्वस्ति वाचन पढ़वाया, पढ़वा करके एक नाई को भेज दिया। बोले जाओ ब्रज में नौता पहुंचा दो, भेज दो नंद बाबा का लाला भयो है। जितने ब्रज को भी सबके सब आशीर्वाद देने के लिए आए है, जितने गोपियां 84 गज लहेंगे चुंदरी और बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के सबके सब आ रही थी। जब आ रही थी कान में सुंदर कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल तो जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग को जाने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के लाला को दर्शन करके आए। और उसी समय जो चोटी को बड़े सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते गोपियों के चरण में गिर रहा था। बोले किस लिए? बोले कृष्ण को जो स्वागत करने दर्शन करने जा रही हैं, उनके चरण की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर हम चोटी में रहेंगे फिर बाद में तो खोल करके जमुना में बहा देंगे। अगर ब्रज रज में मिल जाएगा तो कृष्ण जब बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक चर करके गली गलियों में प्रभु घूमेंगे, कम से कम उनका चरण का स्पर्श तो प्राप्त होगा। इतने में जितने गोपियां थी सबके सब मैया जसोदा नंद बाबा को बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो जोर से, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप मत गा करो इनको बोलने को, हाँ, लेकिन बधाई में आनंद नहीं आया। कुछ कुछ माता तो चुपचाप बैठे, जोर से बोलना है। बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली लाला बधाई हो, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ा और बूढ़ी उम्र में लाला का मुख दर्शन करने को मेरे को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। और जितने गोपियां थी सबके सब अपना हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो हमारी संस्कृति कहता है ना, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमाई माता। हमारे संस्कृति बोलता है ना, सवेरे उठ कर क्या करो, सबसे पहले अपना गुरुजन को पिता माताओं को सास ससुर को चरण छो, ये बोलता है ना। क्यों कहते हैं? ये पिता माता की चरण छूना इतना बड़ा पुण्य है। अगर कोई सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, अगर माताएं हृदय से बाप पिताजी आशीर्वाद देना, अगर ललाट में अगर कोई गंदी चीज हो ब्रह्मा उसको भी मिटा देते, इतने महिमा।
इसलिए सवेरे उठकर क्या करनी चाहिए, सबसे पहले अपना पिता माता सास ससुर गुरुजन को प्रणाम करनी चाहिए। इसलिए आप देखना किसकी भी चरण में झुक जाओ, देखना उसका हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं, हृदय से आशीर्वाद अपने आप निकलेगा ही। इसलिए सब ब्रज गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही थी, ब्रज बुजुर्ग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, 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 आ मैया तेरो आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में उन्होंने पूरा ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, सबके सब तो आए, लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति बाकी रह गए। बोले दो व्यक्ति कौन बाकी रहे, बोले एक वृषभानंद महाराज और एक मैया कृतिका जो राधा रानी की पिता और माता। अगर ये दोनों आ जाए ना फिर तो ये नंद महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इतने में देखते देखते दोनों ने प्रवेश किया, बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए और तीन चार मटकी में दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के जब आए। इतने में प्रारंभ होगा, एक गोप ने किया क्या, उन्हें लठिया लिया तो जो सर पर मटकी थी ना मारे डंडे, मारते मटकी तो फूट गई और कृतिका मैया ने दूध दही मक्खन से स्नान कर ली हैं, और वहां पर दही में घी और हल्दी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगा रहे थे सबके सब, और इतने बड़े बड़े मक्खन के ढेले एक दूसरों के ऊपर फेंक रहे थे। इतने में एक बुढ़िया थी जिसकी उम्र हो गई थी 7 साल की, उसकी एक भी दांत नहीं थी, वो ऐसे देख रहे थे, बोले भैया बड़े जोर के हैं नंद महोत्सव, बड़े जोर के है रहे हैं। एक गोप ने किया क्या, उठाया मक्खन का ढेला और जो बूढ़ी माता जी थी उसको मुंह को लटका करके मारे, और मारते उसका तो एक दांत थी नहीं, सीधा मुंह में लगा तो अंदर में सीधा सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, हैं? कोई भूखे नहीं रहते हैं, और वहां पर दूध दही की कीच बन गए, अब एक दूसरों के ऊपर फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे, अब बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया, सबके सब गा रहे थे सबके सब। और इतने में नंद बाबा का आंगन, राजा का ना बहुत बड़ा आंगन है, हैं? उसमें इतने दूध दही मक्खन लाए, वो सबके सब जैसे समुद्र भर गए, जैसे भर गया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खीर समुद्र प्रकट हो गया। और नंद बाबा मटक मटक कर देख रहे थे, गोप ने कहा भैया आज तेरे घर में लाला भयो है, देख सारा दुनिया यहाँ नाच रहे है और तू बैठ बैठ कर देख रहे हो, अरे कम से कम आज का दिन तो थोड़ा नाच ले। और उनको पकड़ करके ना जोर जबरदस्त ले आए, कहाँ ले आए, एकदम बीच में ले आए, ला करके उन्होंने कमरे में उन्हें जो फेटे को बांध करके रखे थे, फेटे को एक तरफ में नंदगांव के लोग, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप, दोनों तरफ में पकड़ करके रखे, इधर देखो उधर मत देखा करो, इधर देखो सब के सब, इसलिए दोनों तरफ में उन्होंने पकड़ करके रखे थे। जब पकड़ करके रखे थे ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र प्रकट हो गया, और यहाँ पर खीर समुद्र को मंथन होने जा रहा है। कल हम लोग सुने थे देवता दैत्य मिल करके लवण समुद्र को मंथन किया था, लवण समुद्र से सबसे पहले निकला हलाहल बीज, जिसको भोले बाबा ने पान किया तो उनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ, बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला, बोले नंदस्तु आत्मा जाता लाद महामना, यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण स्वयं आनंदगत भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर निकले, और वो जो समुद्र मंथन हुई थी लवण समुद्र मंथन से वहां पर 14 रत्न निकला था। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित
परीक्षित यहाँ पर श्री नंद बाबा ने कृष्ण जन्म लेने पर कहते नंद बाबा ने इतने सोने चांदी हीरे जवाहरातों को इतने उन्होंने दान दिए, बोले बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, और गठली के कोने से हीरे जवाहरात सब के सब बिखरते बिखरते जा रहा था, और ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रहे हैं। इतने नंद बाबा इतने उन्होंने दान दिए, वहां पर भोले बाबा भी आए। भोले बाबा का बाहन कौन है बोलो तो? कौन बोलेगा भोले बाबा का बाहन कौन है? नंदी। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दी, इसको देख करके तो श्री भोले बाबा तो चक्कर में पड़ गए, डर गए। बोले क्यों? बोले भैया 20 लाख जब गैया दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं गैया दान देते दे भूल से अगर मेरे नंदी को दान में चला गया तो फिर मैं बैठ कर कैसे जाऊंगा। शंकर तो नंदी को पूछ को पकड़ लिया, भैया नंदी भी नहीं चले जाए। वहां पर माँ पार्वती भी आई थी, उनको भी दो बेटे हैं। बोलो तो पार्वती की दो बेटे कौन कौन है? गणेश और कार्तिक। कितना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा इतने घोड़े हाथी दान कर रहे थे, डर गए। कौन डर गए? माँ पार्वती। बोले भैया मेरे बेटा भी तो गजानन है, उसका सर कैसे हाथी जैसे उसका सर है, होना हो मेरा बेटा भी दान में नहीं चले जाए। इतने में माता पार्वती गजानन गणेश जी को गोद में लेकर के अपना चिपका कर खड़ी हो गई। वहां पर स्वयं कुबेर भी आए थे। कुबेर कौन है? स्वर्ग के जितने सारे धन दौलत की ट्रेजरी जिनको पास में। नंद बाबा इतना दान दे रहे थे, कुबेर भी लज्जित तो हो गए। बोले ठाकुर जी मेरे को क्यों झूठ मूठ का कुबेर बनाए? आज नंद बाबा इतने दान दक्षिणा दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतना नहीं। अभी प्रश्न है फिर नंद बाबा के पास में इतना पैसा कहाँ से आया, उन्होंने कहाँ से दिया? बोले जब कृष्ण जन्म हुए उसी समय में कहते हैं स्वयं माँ लक्ष्मी कौन है? बोले स्वयं से राधा रानी भी प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई राधा रानी रिद्धि सिद्धियों को उन्होंने आशीर्वाद दिए, उन्हें रिद्धि सिद्धियों को। बोले आज मेरे प्रियतम की जन्मतिथि में इतने दान दक्षिणा दिया जाए, जब तक दुनिया रहेगा तब तक स्मरण करे मेरे कृष्ण जन्म उत्सव में कितने दान दक्षिणा दिया था। इतने उन्होंने दान दक्षिणा दिए और सबके सब आनंद से बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी ठाकुर जी जन्म हुए, कल तो कृष्णा मथुरा में प्रकट हुए थे, आज कृष्णा जन्म हुए गोकुल में। अभी प्रभु जी एक तो बधाई गा लेंगे, और देखो भगवान जन्म हुए बधाई में जो नृत्य करेगा ना, भगवान जन्म हुए ना घर में खूब लक्ष्मी आई है, क्योंकि कृष्ण जन्म हुए इसमें जो नृत्य करेगा राधा रानी तो खुश हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, जय श्री राधे। बोले नंद के लाला की जय, नंद महोत्सव की जय, गोकुल ग्राम की जय, जसोदा के छैया की जय, दाऊ भैया की जय, गुरुदेव के लाले की जय, संतन हितकारी की जय 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 श्री राधे। एक गोपी कहते रही है सुन सुन री यशोदा मैया, री यशोदा मैया तेने अपने लाला एक अनोखे अद्भुत लाला को जन्म दियो है। मैया सुन सुन री यशोदा मैया हो मेले बे आई बधैया, ओह सुन सुन री यशोदा मैया मेले बे आई बधैया, सुन सुन री यशोदा मैया मेले बे आई बधैया, हम सुन सुन री यशोदा मैया मेले बे आई बधैया। Yeah.
कोई लाला की बुआ बैठी है, ये बुआ लग रही है, चला कोई
बहनों बैठी बहन तो जा रही है। देखो बहनाओ सर अपनी अपनी तैयारी कर ली है, बधाई लेके आएगी सबसे आगे, ध्यान रखना यह बात तो। हाँ बड़े लाला को व्रत अवस्था में तुमने जन्म दियो है, जय जय श्री राधे यशोदा मैया। आओ Bye.
Oh,
जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ चलो अभी मथुरा चलते हैं। मथुरा में क्या हो रहा है? जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को रथ करके वहां से जोग माया को लेकर के अंदर में आए और अंदर में आते ही अपने आप दरवाजा लग गया, पहरादार सबके सब जग गए और बच्ची ने रोना प्रारंभ की तो अभी सबके सब पहरादार जगते हुए कंस को बोले, बोले महाराज कंस तेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस सो रहा था, भागते भागते आया और आ करके देखता है बेटा नहीं, वहां पर बेटी जन्म हुई। वसुदेव श्री देवकी बोली, बोले देख भैया तुमने छह छह बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी तो छोड़ दे, ये बड़ी हो जाएगी ना तेरे बेटे को साथ में मैं शादी करा दूंगी, इसलिए बेटी को दे दो। बोले क्यों? उनको पता है हमने वहां बेटा रख करके बेटी लाए, फिर बेटा का कब मिलेगा? जब बेटी को देंगे तभी तो बेटा मिलेगा, नहीं तो बेटा मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर अपना संपत्ति अगर नष्ट हो जाए ना कोई बात नहीं, अगर किसी ने अपना संपत्ति को हमारे पास में रखा विश्वास करके, अगर वो संपत्ति को हम नष्ट कर दे ये बड़ी बुरी चीज है। इसलिए उसने बहुत प्रयास की बेटी को बचाने के लिए, लेकिन कंस कहाँ छोड़ने वाला, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। देखो ध्यान देखो सुनो, आकाशवाणी ने ये नहीं बताया था बेटा होगा ना बेटी होगी, केवल आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, तो उन्होंने बेटा बेटी क्यों नहीं बताया? अगर बोल देता बेटा होगा कंस का मन में शंका हो जाता, बोले आकाशवाणी तो बताया था बेटा के लिए, ये बेटी कैसे हुई? इसलिए उन्होंने संतान की नाम बताई। अभी थी जोग माया, लेकिन कंस स्पर्श करते ही वो हो गई महामाया, क्योंकि जो जोग माया है जो जीव को ठाकुर को साथ में जोड़ दे, ये महामाया क्या करती है? जीव को इसी संसार में दुख कष्ट देने वाले ये महामाया। कंस स्पर्श होते ही हो गया महामाया, जब पछाड़ मारने के लिए गया उसने आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा धारण करते हुए बोली, रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस देखा ये तो मेरी कुलदेवी, कंकाल इसके कुलदेवी, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं, फिर क्या ये देवता लोग मेरे साथ में बेईमानी की? कंस तो बड़ा दुखी हो गया। देवकी को बोले, देवकी बिना कारण के कारण तेरे छह छह बेटे को मैंने मार डाला, मेरे अपराध को माफ कर दो। लेकिन देवकी को पता है मेरे बेटा तो गोकुल में है, ऊपर ऊपर से थोड़ी सी दुखी हुई ऊपर ऊपर से, लेकिन मन मन में खुशी है मेरे बेटा अभी सुरक्षित है। उसने जितने पुतना अघासुर बकासुर को बुलाया, बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या है? पूतना, पूत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब होता है नहीं, जिसकी पुत्र ही नहीं। अरे फिर पूत का क्या जरूरत है? बोले भैया अगर कहीं तेरे काल जन्म हुआ होगा एक महीना अंदर में तो होगा। बोले हाँ बही, बोले चिंता मत करो मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ। इतने में पुतना को भेज दिए और पुतना सीधा कहाँ आ गई? पुतना सीधा गोकुल में आ गई। जब गोकुल में आ गई, जब उसने गोकुल में आ गई, उधर जा, जब गोकुल में आ गई, यहाँ पर देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमारे टीकाकर बता रहे हैं। कहते भैया ये पुतना और ये पुतना का मतलब क्या होता है? बोले पूत, पूत मतलब होता है पवित्र। बोले ना, ना मतलब होता है जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। कहते ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है? ध्यान देकर सुना। बोले नजत्र श्रवणा दीनी रक्तधानो स्वकर्मसु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पाप वहीं पर प्रवेश करती हैं जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा कीर्तन भजन नहीं होता है। और जिस घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा सेवा होना, देखो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, उसी घर में कभी पाप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर के जा रहे थे तो महाप्रभु सारे भक्त लोगों को बुलाया। देखो सब ध्यान देकर सुनो, ये काम की बात सुन लो।
महाप्रभु ने भगवान सब अपना भक्तों को बुलाए, बोले देखो भक्तों तुम लोग मेरे को प्रेम करते कि नहीं। बोले प्रभु अब तो हमारे जीवन है। बोले अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, मेरे अंतिम उपदेश है, इसको जरूर पालन कर लेना। बोले प्रभु बताओ। देखो ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले शाम को सबके सब जब अपना काम से आ करके एकत्रित हो गए, अगर घर में ढोलकी मजरा हो अच्छी बात है, अगर ढोलकी मजरा तुम्हारे घर में नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं तुम लोग थोड़ा ताली बजाते हुए घर में थोड़ा ठाकुर को कीर्तन करते। भगवान कह रहे हैं, बोले जहाँ पर मेरी कीर्तन हो मैं वहीं पर ही निवास करता हूँ। अभी सुन रहे थे ना ठाकुर जी क्या बोले, बोले मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा मि नारद। बोले हे नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त जन कीर्तन करते हैं। अगर तुम्हारे घर में आप थोड़ी सी कीर्तन करो, कोई कहते ना ऊपर की कोई हवा है, घर में कोई भूत है, घर में कोई प्रेत है, घर में ये अमंगल, ये सब कब आता है घर में? जब घर में हरि कीर्तन नहीं हो तभी सब सब अगड़ों बगड़ों जितने ग्रह जितने सारे सौ मंगल शनि ग्रह कहाँ पर आते हैं? बोले वहीं पर आते हैं जिस घर में प्रभु का भजन पूजा पाठ नहीं होता है। इसलिए आप लोग देख लो घर में सबके सब बैठ जाओ, थोड़ी सी हरि कीर्तन कर लो, देखना मन में इतनी शांति, घर में मन में इतने प्रसन्नता होगा। घर का जितने हमारे गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, उसमें क्या होगा? देखना उसमें लहरी आएगी, उसमें लहरिया, फिर दो बार लहरिया, तीन बार लहरी आएगी। उसी तरह जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, जब घर में हरि कीर्तन करेंगे उसका ध्वनि जितने दूर तक उसको ध्वनि जाएगी, क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए हमारे पुराण में कहते हैं, बोले सर्व रोग उपशमनम सर्व उपद्रव नाशनम शांतिदम शांतिरिष्टम हरि नामानुकीर्तनम। हरि नाम कीर्तन से जितने आदि व्याधि दुख कष्ट अमंगल है, जहां पर ये हरि कीर्तन होगा सारे दुख कष्ट घर से समाप्त हो जाएगी। शांति दम शांति प्रदान करेगी। सर्वारिष्टम अगर तुम्हारे कोई शत्रु होगा ना तो शत्रु भी विनाश हो जाएगा। हरे नामाम कीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन में इतने शक्ति है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया जहाँ पर ठाकुर का कीर्तन हो तो वहीं पर पाप प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान कृष्ण जन्म हुए, पर ये पुतना कैसे आ गई? पुतना क्यों आ गई? बोले ठाकुर की इच्छा। बोले क्यों? अगर पुतना नहीं होता तो हम कथा किसको सुनते बताओ? रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होता, कंस होता तो कृष्ण लीला ही नहीं होता। ये ठाकुर की इच्छा पुतना है, पुतना मासी घर में आ जाए। इसलिए ठाकुर की लीला को पुष्टि करने के लिए, ठाकुर को लीला को करने के लिए पुतना आज घर में आ गई। अब ये पुतना कैसे आई और उसने क्या की, कैसे उन्होंने भगवान को कैसे मारने की कोशिश की, हमारे ये चैतन्य चंद्र प्रभु जी आपको कथा सुनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करः विशालाक्षौ दीर्घार गल युगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूं। पूतना कष्ट पूतना शब्द की व्याख्या श्री गुरुदेव ने आपको बता ही दी है। कंस ने इसको भेजा है
कंसेन प्रेषित घोरा पूतना बाल घातिनी, ये बच्चों को मारने वाली पूतना है। जब ये इसको कंस ने कहा कि जाओ, इस समय जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबका मर्दन करके आओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा काल उधर ही है। तब पूतना आई है, देखिए जब पूतना आई है तो ऐसा सुंदर श्रृंगार करके आई है पूतना, इतना सुंदर श्रृंगार करके आई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, काम केश बंद रति सत्त मल्लिकाम बृहन्नकत मद कच्छ मध्यमान सुभाषतम भूषण करण भूषण त्यसल सत कुंडल मंडितानां वल्गुस्मिता पांग विसर्ज विक्षितई मनोहरंतिम बनका प्रजऊ कसाम। मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में जितने उदित होने वाले सप्त कलाएं चंद्रमा की हैं, षोडश कलाएं चंद्रमा की है, पूतना ने बलात् उसको वहां से खींच करके अपने कंठ के हार के रूप में सुशोभित कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता था कि तो बादलों के टकराने से जिस विद्युत संपात का उदय होता है, पूतना ने बलात् उसको वहां से खींच करके अपनी साड़ी के रूप में सुशोभित कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता था जूही गेंद की मौली श्री श्री चंपा पाटिल गुलाब इत्यादि पुष्पों की सुगंध को और उसकी लालिमा को उसने बलात् वहां से खींच करके और समस्त पुष्पों का चयन करके उसने बलात् वहां से खींच करके अपने जूड़े के रूप में सुशोभित कर लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि काले काले बादलों की काली माँ को उसने बलात् वहां से खींच करके और अपने नैनों में काजल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि सिंगनी की मदमस्त चाल को उसने बलात् वहां से खींच करके और अपने कमर में सुशोभित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता था सरस्वती के सप्त स्वरों को वीणा में उसने बलात् वहां से खींच करके और अपने पायलों में नूपुर के रूप में सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकणी कुरन करती हुई, हाव भावों को प्रकट करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, इथलाती हुई, लहराती हुई, बलखाती हुई पूतना ब्रज में पधारी। जब पूतना ब्रज में पधारी तो देखा पूतना को और बड़े बड़े जो गोपियां थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुई है। अपने हाथ में कमल को लेकर के और अपने दिव्य अलकावलियों को संचारित करते हुए और नैनों के अन्य अन्य प्रकार के कटाक्षों का उन्मेलन करते हुए पूतना आती तो कोई उसको देख करके गोपी प्रणाम करती तो कमल घुमा करके उसके सर पे रखती, मानो आशीर्वाद दे रही हूं। पूतना चली और जैसे ही देख चली पूतना तो सामने पालने में श्री लाला पौड़े हुए थे श्री कृष्ण, उसको देखा पूतना ने। पूतना ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। अब श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किए, इस पर इतना मोटा ग्रंथ है, इतने कारण है, इतना मोटा ग्रंथ है। चलो कुछ कारणों को श्रवण कर लेते हैं। ये पूतना अविद्या का प्रतीक है और भगवान विद्योत्पुंज है, ज्ञानोत्पुंज है। भगवान अविद्या का नाश करने वाले हैं, इसलिए अविद्या युक्त व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और ये पूतना जो है वो दूषित है, अब किसी सद्गुरु से दिव्य मंत्र का संचार नहीं करके आई है, मंत्र को लेकर के नहीं आई है, भगवान के नाम को लेकर के नहीं आई है, तो भगवान उसको कभी पसंद नहीं करते जो उनका नामाश्रय नहीं लेते हैं। किसी सद्गुरु के द्वारा दिव्य मंत्र और दिव्य नाम की जिसको रसना, जिसके रसना पर अनुभूति नहीं होती, प्रस्तुति नहीं होती, भगवान उसको पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। मानो ने तीसरा कारण, मानो नेत्र बंद करके स्वयं श्री कृष्ण शिव जी को याद कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, मैं तो जानता हूं कि आप तो विष पीने वाले हैं। पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके आई है कि लाला को पिलाऊंगी और पीते ही उसका मर्दन हो जाएगा, तो श्री कृष्ण जानते हैं, इसलिए मानो शंकर जी को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा मुझे पता है जब सागर मंथन हुआ था ना तब 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा
असुरेश्वर गजो रंभाच देव अंगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनो शंखम मृदं चंबुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न विष निकला था जिसको प्रीत हलाहल प्री महेश ने कियो जगत कल्याण। आपने पान करके जगत को बड़ी आपदा से बचाया है। आज पूतना अपने विष के अपने स्तनों के ऊपर विष का लेपन करके आई है। हे प्रभु, आपको तो अभ्यास है विष पीने का, तो पूतना का विष तो आप पी लेना, दूध दूध मैं पी लूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दूध दही माखन खाए हुए आए हूँ, विष तो बांध कर हुए आयो नहीं हूँ। इसलिए मानो शंकर जी को याद कर रहे हैं कि प्रभु आप आओ और आप इस विष को पान करो। और भी अन्य कारण है कि क्यों भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक कारण श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान का एक नेत्र सूर्य लोक है, एक नेत्र चंद्र लोक है। मानव पूतना को देख करके सूर्य लोक ने अपने नेत्र अपने दरवाजे बंद कर लिए और चंद्रमा लोक ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु इस पूतना जो आपको हानि पहुंचाने आ रहे इसको कोई भी लोक देना, कहीं भी भेजना, पर हमारे लोक में मत भेजना। इसलिए मानो दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। और भी अन्य कारण है क्यों भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो क्या हुआ, पूतना ने कहा माता मैं इसको ले लूं, तो माता ने कहा ठीक है इसको अंक में लो। तो जैसे ही पूतना ने उसको अंक में लिया और अंक में लेकर के थोड़ी सी बाहर आई और निज कंचुकी को ऊपर करके निजस्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम्बोज में प्रस्तुत किया, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान पूतना का दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान पूतना की समस्त पाप राशियों को पी गए, समस्त कलुषों को पी गए, क्लेशों को पी गए, किलविशों को पी गए, उसके अनंत अनंत पाप को पी गए, संताप को पी गए, ताप को पी गए। और जब पूतना का प्राण पीने श्री ठाकुर जी लगे तो पूतना चिल्लाई समुंच मुंचा विभरत प्रभाषिणी, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ छोड़ छोड़। श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी एक आदत है, मैं पहले तो किसी को पकड़ू नहीं और पकड़ू तो मैं कुछ छोड़ू नहीं। मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर पकड़ लेता हूँ ना तो फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने स्तनों के माध्यम से पूतना के प्राण पिए, इसका शरीर से प्राण जब निर्जरित होकर के श्री भगवान के मुख में प्रवेश किया तो ये इतनी बड़ी पूतना, ये भगवान ने पूतना को कहाँ घेरा, कंस के बगीचे में पटका। अब हमारे चक्रवर्ती पाठ टीका में लिख रहे हैं इसको कंस के बगीचे में क्यों पटका ले जा करके, क्यों, क्योंकि कंस के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल थे, बहुत सुंदर सुंदर फूल वृक्ष इत्यादि थे, लेकिन कंस उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाता था, वो अपने भोग के लिए उनका प्रयोग करता था। तो जो चीज भगवान के प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं है वह अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। इस कारण से भगवान ने कहा बेटा ये मेरी सेवा के लिए नहीं है तो तेरे भी लायक नहीं होगा ये। तो भगवान ने पूतना को धड़ाम से उधर पटका, सारा का सारा उपवन छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब जोर से शोर की आवाज आई तो सब लोग भागे कि ये क्या हो गया। उसके बाद जब सब लोग भागे, यशोदा मैया सब गोपी सारे गोप भागे, तो देखा कि पूतना के स्तन के ऊपर श्री लाला पूतना के कंठ के ऊपर विराजमान है। आहा, आज पूतना की शोभा कैसी है, किसी के गले में विद्युत राग मणि का हार है, किसी के गले में स्फटिक मणि का हार है, किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, पर धन्य है पूतना आज नीलमणि बनकर के श्री कृष्ण पूतना के कंठ में विराजमान है। आज बड़ी बड़ी उमा रमा शची ब्रह्माणी तिलोत्तमा मेनका इनकी शोभा के आगे वारी वारी है, नतमस्तक है। कितनी सुंदर शोभा पूतना की हो रही है भैया। फिर उसके बाद जब पूतना के ऊपर से इसको निकाला गया ठाकुर जी को चढ़ करके सीढ़ी, क्योंकि इतना भयंकर स्वरूप था इसका, सीढ़ी वीढ़ी इसके हाथ के सहारे से लगा करके जब श्री भगवान को गोदी में लेकर के नीचे लाया गया, तो फिर उसके बाद जब पूतना का दाह संस्कार किया, एक एक अंग को काट करके जब लकड़ी से संस्कार किया या जलाया, तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं मधुरात्यात ध्रुव धुवाहा, इतनी सुंदर सुगंध आई, इतनी सुंदर सुगंध आई। कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसका देह संस्कार करते हैं तो क्या सुगंध आती है, नहीं, लेकिन पूतना के जिस्म पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध प्रस्तुत हुई कि ऐसा लगा कि चारों तरफ दिव्य यज्ञ हो रहे हैं।
भैया इस पर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जिसकी देह को भगवान ने अनुग्रह करके छू लिया हो उसके शरीर से तो दिव्य सुगंध निकलना संभाविक ही है, वो तो निकलेगी। इस कारण से भगवान उसका संस्कार हुआ। अब देखो श्री कृष्ण के ऊपर ये पूतना थी, भयंकर असुरी थी, तो सारी गोपियों ने, यशोदा जी ने सोचा कि इस पूतना ने कहीं मेरे लाला को नजर ना लगा दी हो, टोटका ना कर दिया हो, तो क्या किया पूतना के, तो फिर क्या किया गोपियों ने, सारी गोपियों ने श्री लाला को, सारी गोपी गौशाला लेकर के गई है और गौशाला में गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना इस बात को, भगवान के नाम से ही पूतना झाड़ा दे रही है। ये इतने सुंदर मंत्र है श्रीमद् भागवत जी के, किसी के भी बच्चे के कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वो ज्यादा रो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो या ज्यादा का कोई भी समस्या हो, तो हमारे आचार्य कहते हैं ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत जी के, इसको अगर उच्चारण करते हुए गाय की पूंछ से यदि बच्चे को झाड़ा देते हैं तो उसकी समस्त आपदाएं निकल जाती हैं। गोपियों ने क्या किया, गाय की पूंछ से श्री लाला को झाड़ा दे रही है। अव्या अजम मणिमा स्तन जन्म थोरु यज्ञोचितम कटिजटम जठरम है अस्य यत्केश वस्तु दुरीश इनस्तु कंठम विष्णुर्मुखम मरुमुरु क्रम ईश्वर क्रम चक्र गद सह गदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्शरो मधुरसी मधुहाजनश्च कौणेषु शंख उर्गाय युपर्युपेन्द्र स्नातश्चक्षु संप्रमण्योः इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगीश्वरो वतु प्रश्नीकर वस्तु देवुद्यात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविंदं शयानं पातु माधव। ये सारे के सारे श्लोक श्री भगवान के नाम ही हैं। हलधर भगवान मेरे लाला की पेट की रक्षा करे, माधव भगवान मेरे लाला की जंघा की रक्षा करे, चक्रपाणी भगवान मेरे लाला के सिर की रक्षा करे, गदापाणी भगवान मेरे लाला के घोटू की रक्षा करे। ये सारे के सारे मंत्र का ये अर्थ है, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। देखो भगवान की शोभा, अरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये ऐसा कौन सा वेद मंत्र है जिसमें ठाकुर जी के ऊपर आपदा यद्यपि नहीं आ सकती लेकिन लीलावशाद आ जाए तो उनकी आपदा को हरण कर सके, ऐसा कौन सा वेद मंत्र है, लेकिन केवल एकमात्र श्री भगवान का नाम है जो उनके ऊपर भी आई हुई आपदा को खत्म कर देता है। भगवान का नाम ऐसा दिव्य है, भगवान के राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम की महिमा तो वो भी नहीं गा सकते। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को वृषभानु की लली को, राधे कमल कली को वृषभानु की लली को, राधे जगत नचायो तेरी भौह की मरोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, ये पतंग कहां जाएगी, श्याम सुंदर कहां जाएंगे, ये श्याम सुंदर पतंग है और जो धागा है वो हरि नाम है और जो धागा पकड़ रखा है वह सद्गुरु देव है। जब श्याम सुंदर को हरि नाम से सद्गुरु देव हमारे पास रख देते हैं, हमें नाम प्रदान कर देते हैं, तो श्री ठाकुर जी नाम के रूप में हमारे साथ सदैव रहते हैं। इसी कारण से नाम से पूतना को झाड़ा दिया है और उसके बाद पूतना का संस्कार किया है। उसके बाद जब पूतना का संस्कार कर दिया तो उसके बाद श्री भगवान ने उनको धाई की गति दी, धाई की, अपनी धाई की गति गोलोक में दी। धन्य है ऐसे श्री भगवान जो विष देने आई पाई मुक्ति बिनु हेल, खुले धाम के किवार, खुले धाम के किवार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार,
दिव्य प्रेम की नदी श्री भगवान की अकारण करुणा वरुणालता है। उसके बाद पूतना का को संस्कार किया है, भगवान ने धाई की गति दी है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुवश्च कृपासिंधु देवचं पतितानां पावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। हम लोग चाहते हो आपका बेटा ऐसे ऐसे बने, कौन चाहते हो आपका बेटा ऐसे बने? अगर ऐसे बेटा बनना चाहते आप हमको दे दो अपना बेटा है, फिर तो आपका बेटे भी ऐसे आपको हमको देने का जरूरत नहीं, अपना घर भी रहे, लेकिन कम से कम हमारे साथ में जुड़ जाए ना, हमारे साथ में जुड़ जाए ना, आपका बेटा ऐसे बन जाएगा। अगर बेटे को हाँ, अगर वंश में कहते एक बेटा अगर प्रभु का भजन करिए, भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, कहते एक बेटा भजन कर देखो, भगवान खुद कहते हैं बोले कुलम पवित्रम, कहते उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। जननी कितार्था, वो बच्चे को जो माँ जन्म देती है वो माँ की खूब धन्य हो जाती है। जैसे कोई वृक्ष में फल आए, अगर वो फल ठाकुर को सेवा में लग जाए ना, तभी वो वृक्ष का लाभ है। अगर दुष्टों को सेवा में अगर फल लगे वो फल का कोई महत्व नहीं। इसलिए तभी गर्भधारण करना सार्थकता माताओं का, जब वो बेटा तुम्हारी प्रभु की सेवा में ठाकुर जी की भक्ति में लग जाए। इसलिए आप लोग रामायण सुने होंगे, जब राम सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा को पास में आती है, बोले भैया मेरे को आदेश दे दे। बोले क्या? बोले भाभी भैया सीता और राम की सेवा में मैं जाऊँ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, हिंदी समझती हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये लाइन को देखो गौर से सुना, बोले पुत्र भक्ति जो भक्ति जग सोई, रघुपति भक्ति जासो सोत होई। कहते उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता है, अगर तुम्हारी बेटा भगवान की भक्त बना दो। दूसरे लाइन में सुमित्रा कहती है, अगर तुमने अपना बेटे को भजन में नहीं लगा पाई, वो सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए बोलो, क्या रहनी चाहिए? बांझ। बोले क्यों? आप लोग गांधारी का नाम सुने होंगे, जिनकी 100 के 100 बेटे थे लेकिन एक बेटा भी भजन नहीं किया, लेकिन कुंती के 5 बेटे थे, सबके सब कृष्ण भक्त है, सबके साथ कृष्ण भक्त है। कहते तब भी बच्चों को जन्म देना सार्थकता है। इसलिए भागवत कहता है वही माँ माँ है, जब अगर बच्चे को भगवान की भजन में लगाया, अगर बच्चे को भजन में नहीं लगा पाया, भागवत कहता है वो माँ माँ भी नहीं, वो बाप बाप भी नहीं, वो माँ माँ भी नहीं, वो बाप बाप भी नहीं है अगर भजन में नहीं लगा पाए तो हैं। इसलिए भागवत में तो गाली बका उसको हैं, जिन माताओं ने बच्चों को भजन में नहीं लगा पाए। देखो अगर बच्चे को भजन में लगाया तो कितना लाभ, ये भगवान कहते हैं बोले पहला नंबर तो 21 पीढ़ी उधार होगा, बोले दूसरा नंबर में बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे सा, जो पहले पूर्वज लोग चले गए, जब देखते हैं वंश में एक बेटा प्रभु का भजन में लग गया, नृत्यन्ति नाचना शुरू कर देते हैं, अहो भाग्य है हमारी वंश में बच्चे भजन में लग गए, अभी कोई चिंता नहीं उधार होने का, हम तो उधार हो जाएंगे। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले वसुंधरा, बोले जिस पृथ्वी के ऊपर में वो बच्चा जन्म लेती है लेता है, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, बच्चे को भक्त देकर के पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, इतने लाभ है। देखो बच्चा अगर भजन करेगा तो इतना लाभ, लेकिन अगर शराब पीना शुरू करते, जुआ खेलना शुरू करते, बीड़ी फूकना शुरू करते, अगर बच्चे गंदे रास्ता पर चले जाए, कहते जो बच्चा जन्म दिया ना उसको उसका पाप भी भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि पुराने में आया कोई एक जोगी पहुंचा स्वर्ग में, देखा एक व्यक्ति बहुत धन दान पुण्य किया और स्वर्ग में पहुंचा, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उनको सेवा कर रही, लेकिन वो स्वर्ग में भी बेहोश हो रहा था, रो रहा था। जोगी ने पूछा भैया तू स्वर्ग में आकर रो रहे क्यों, ये बेहोश क्यों हो रहे हैं? बोले मेरे से गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को तो मैंने जन्म दिया, दान भी दिया, इसलिए मैंने स्वर्ग आया, लेकिन मैंने बच्चों को भक्ति मार्ग नहीं दिखाया, अभी मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चों से शराब पी रहे,
उसे मांस खा रहे हैं, उसे सिगरेट फूंक रहे हैं, उसे जुआ खेल रहे हैं। चूंकि पैसा कौन छोड़ करके आया था? मैंने छोड़ करके आया था, और मेरे पैसा को ये गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, इसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी छोड़ दिया। इसलिए बच्चे जन्म देना बड़ी भारी बात नहीं, बच्चे को इंसान बनाओ। इंसान मतलब उसको भक्त रास्ते में, उसको भक्ति मार्ग में लाओ बच्चों को, समझ रहे हो? अभी प्रश्न, बच्चा भजन कब करेगा? अगर पिता माता भजन करेंगे तभी तो भजन करेगा ना। पिता माता भजन से कोई मतलब नहीं, दिन भर टीवी देख रहा है, स्मार्टफोन लेकर पड़ा हुआ, जुआ खेल रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं दिन भर। आप बचाओ बच्चे को, पर संस्कार क्या पड़ेगा? पिता माता जो करेंगे बच्चे तो वही करेगा ना। पहला गुरु तो पिता माता है ना, पहला शिक्षा तो पिता माता को गोद से मिलता है। अगर खुद नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ भजन करेगा, नहीं कर सकता है। इसलिए पहले तुम सुधरो, पहले पिता माता पहले सुधरो, सुधरो उसको बाद में फिर बच्चे तुम्हारी सुधरेंगे, ठीक है? हाँ, ये पुतना व्रत में दो तीन शिक्षा है। अपने सुन रहे थे जो पुतना उड़ते हुए गई, वो कहाँ पर उनको लेकर गिराया भगवान ने? कहती है कंस की बगीचा में। बोले क्यों? और कोई उसको फेंका नहीं, क्यों? कंस की बगीचा में क्यों फेंक गया? कारण है, टीकाकार कहते हैं, अभी सुन रहे थे ना, कंस का निर्देश था यहाँ की कोई भी फल फूल भगवान और उनकी भक्त की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। सबके फल फूल मेरे दरबार में आएगा, मैं खाऊंगा, और मेरे जितने अघासुर बकासुर त्रिणा भक्त है ना, ये सब राक्षस उसको खाएंगे। इसको और किसको मिलनी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा भैया दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, और मेरे सेवा में नहीं लगेगा और मेरे भक्त सेवा में नहीं लगेगा। इसलिए ठाकुर जी पुतना को वहीं पर उड़ा करके ले गए। कोई ब्रजवासियों का कोई धन दौलत हुआ, लेकिन उसी बगीचा में गिराए तो पूरा के पूरा बगीचा तसनस हो गया। यहाँ पर ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, देखो ये उपनिषद का श्लोक है, सर्वं जत्कित्या जगत्या जगत तेना त्यक्तन भुंजिता माग्रिध कश्चसी धनम। उपनिषद कहता है ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान ने ये दुनिया को बनाया, ठाकुर का दुनिया है। फिर क्या करो, सबसे पहले जो कुछ बनता है ठाकुर को भोग लगा। ठाकुर को भोग लग गया तो ठाकुर ने बनाया, ठाकुर को भोगन में लग गया, फिर वो वस्तु सार्थकता हो गया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं, और जो लोग मेरे को भोग नहीं लगाते हैं कहते भुंजन ते तु अघम, कहते वो पाप भोजन करते हैं। इसलिए नियम है घर में जो कुछ खाना बनता है सबसे पहले ठाकुर को सामने धर दो, उसमें तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर को भोग में लग जाए तो अमृत हो जाएगा। मीरा का नाम सुने होंगे, राणा ने भेजा जहर का प्याला लेकिन अमृत करके पी गई। क्यों? वो बगैर ठाकुर को भोग लगाए कुछ खाती नहीं, ठाकुर को अर्पण करता अमृत बन गया। इसलिए अगर कोई चीज ठाकुर को सेवा में लग गया तो वो अमृत बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। इसलिए कम से कम एक ही काम कर लो, जो कुछ भोजन करते हो ठाकुर को सेवा में लगाओ। पहले मैंने बताया था ये पहले सुदामा गरीबी क्यों बना फिर धनी क्यों बना। अब टीवी में देखे होंगे जब गुरु गृह में सुदामा कृष्ण गए थे, एक दिन कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया, बोले कृष्ण को दे कर खाना। अब देखे ना टीवी में, वो कृष्ण को बिना दिए खा रहा था, इसलिए गरीब बना। धनी कब बना? फिर जब ठाकुर को दर्शन करने के लिए गए, बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए। ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले प्रभु नहीं, आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब सारे राज ऐश्वर्य घर में पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन गया हूँ। आप देखे होंगे टीवी में, जब सुदामा घर में आया सोने की महल बना हुआ, पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, अपना पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था, पत्नी आरती उतारने के लिए आई तो पीछे भाग रहा था, बोलिए राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रहा है? सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं रहे हो? बोले तू कौन हो? बोले मैं तो आपको वही सुशीला। बोले ये सब क्या है? बोले ठाकुर दो बुटे चिड़वा खाए ना, राता रात त्रिभुवन का राज्य दे दिया। मतलब अगर ठाकुर जी को भोग लगा के खाओगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में खूब पैसा आएगा,
खूब पैसा घर में, क्यों? जब तुम नारायण की सेवा करोगे, लक्ष्मी किसकी है? बता, लक्ष्मी किसी की? लक्ष्मी तुम्हारी ना, लक्ष्मी नारायण की? लक्ष्मी नारायण की। जैसे तुम भी किसकी लक्ष्मी हो गए, तुम्हारा क्या कर्तव्य? अपना पति की सेवा करना, लक्ष्मी नारायण की। जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गया, बस लक्ष्मी खुश हो जाए, बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब खुश में रहो, आशीर्वाद देती है लक्ष्मी। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगा, आप देख लेना, भले ही घर में करोड़ों करोड़ों संपत्ति तुम्हारी घर में आ जाएगी, लेकिन वो ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है, भगवान की भोग खाना नहीं लग रहा है, देखना घर में शांति सुख नहीं रहेगी, बहू में लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो भाई भाई में लड़ाई, नहीं तो किसी जेल मामला मुकदमा लग जाएगी, सारे पैसा बह जाएगी। आप स्वयं देख लेना, ये भागवत कहता है ये बात। इसलिए घर में जो खाना बनती है, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा। लेकिन आप बोलोगे हम तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे भोग लगाते हो? तो ठाकुर को थोड़ा दूध, नहीं तो बतासा दे देते, और खुद चंदोरी दे देते, और खुद चकमाल घोटते, शाही पनीर मटर चावल राजमा आप चकाचे हो नहीं? देखो एक चीज को समझो, अच्छे तो देखो, कम से कम भागवत से थोड़ी चीज लेकर जाओ। हमने जो गुरु जी से सीखा, तुम्हारे घर में कोई एक नौकर रहता है, वो नौकर क्या करता है, खुद तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाता है, लेकिन माली को जैसे तैसे दे देता है। अगर माली को पता चली नौकर रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाता है और मेरे को जैसे तैसे धर देता है, आप बताओ माली को नौकर को क्या करेगा? आप बोलो क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? धक्का देकर घर से निकाल देगा उसको। बोले मेरे घर में रह रहे हो, बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, और मेरे को जैसे तैसे घर में रख देते हो, क्या ठाकुर को दिख नहीं रहा है? घर का मालिक कौन है? ठाकुर ना हम हैं। बोलो ठाकुर ना हम घर का मालिक? ठाकुर जी। वो क्या देख नहीं रहे? क्या चुपचाप बैठे हैं? वो सब देख रहे हैं। एक दिन थका देकर घर से निकाल देगा, बोला मेरे घर में रहते हो, बढ़िया बढ़िया खाते हो, हाँ, लेकिन हम क्यों ठाकुर को खिला नहीं पाते? उसमें एक हमारी कमी, कमी यह है, हम उसमें प्याज लहसुन डालते हैं। एक चीज की हमारी अंदर में कमी है, ये प्याज लहसुन डालने का वजह से केवल हम ठाकुर को भोग नहीं लगा पाते हैं। इसलिए ये प्याज लहसुन हमें त्याग देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आती है ना, आप लोग 9 दिन तक नवरात्रि रखते होंगे, 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो आप? कोई क्यों नहीं खाते हो? कारण क्या? कारण है उसका जो सृष्टि, वो गंदी चीज से। कल मैंने कथा सुनाई थी, जब उन्होंने दैत्य को काटे, उसका मांस ऐसे हुई। देखो दूसरे पुराण में दूसरी कथा आती है, मन लगा कर सुन लो। बोले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, और गो माता है ना, गैया को अंदर में 33 करोड़ देवता का निवास होता है, इसलिए गैया को पहले संत लोग आश्रम में गैया पालते थे। लेकिन अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाए, उसको मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में उसको बलिदान देते थे। ऋषि मुनियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, वो बूढ़ी गैया को जवानी बना देते थे। कोई गैया बूढ़ी हो गई, सारे ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए, यज्ञ के अनुष्ठान की, गैया को बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने वो लाल लाल मांस को देखकर खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाए कैसे? उसने राख छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले। लेकिन ऋषि ने जब मंत्र पाठ किए, इतने मंत्र शक्ति थी, वो बूढ़ी गैया पूरा जवानी बनकर निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था, वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा, सब जानते हैं, ध्यान लगाया, उनने सब कुछ देख लिया, किसने मांस को खाने के लिए छुपाया राखों में, अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को डाल गाड़ दिया, वहां पर जैसे मांस लाल लाल, उसी लाल लाल रंग की प्याज की सृष्टि हुई। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखना कच्चा प्याज का मुंह से ऐसे बदबू मारेगा, बात नहीं कर सकते। यहाँ प्याज काटो, इसका बदबू फैल जाती है, आंखों से आंसू आ जाती है, छोंक दो घर में बदबू फैल जाती है। इसलिए नवबत दुर्गा रात्रि में 9 दिन तो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि इसका सृष्टि गंदी चीज से, माँ खाने से माँ नाराज होगी। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा शुरू करोगे? इसलिए माता जी को जो पसंद नहीं, ठाकुर जी को सेवा में जो नहीं लगता है ना, वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए। जहां पर हाटी को गाड़ दिया, वहां पर लहसुन की पैदा हुई,
जहाँ पर खून के बूंद गिर पड़े वहां पर मसूर डाल हुआ। हम लोग तो हिंदू है, देख लेना आपका घर में एक दो पीढ़ी पहले ये सब चीज तुम्हारे घर में नहीं आता होगा, देख लेना तुम्हारे घर में नहीं आता होगा, देख लेना। बोलोगे फिर ये सब चीजें आई कहाँ से? कभी ये मुगल लोगों ने लाई, मुसलमान लोगों ने ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन उनका खाना वो लोग लेकर के आए और हमको खिला खिला के सब मुसलमान बना दिया। वो तो हमारी कोई भी धर्म कोई भी चीज को ग्रहण नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया उनको सारे चीज को धीरे 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 प्याज खाना शुरू कर देते हैं, फिर घर में अंडा आना शुरू हो जाता है, फिर घर में मांस आना शुरू हो जाता है, बस हो गया घर हो गया। इसलिए कोशिश करो ये चीज को त्याग देने के लिए, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता वो चीज हमें पसंद नहीं। इसलिए पुतना को लेकर के इसलिए वहीं पर ठाकुर जी गिर आया, बल अगर ये चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लग गया तो घर में पुतना आ जाएगी घर में, फिर तो ऐसे गिरेगी सब सत्यानाश कर दे, ठीक है ना। क्या करना, भगवान भोग लगा खाया करो, बगैर भोग के मत खाया करो है, और ठाकुर को सेवा पूजा करो, हरि नाम करो, खूब आनंद में रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जैसे एक व्यक्ति हरिनाम करे ना, यहाँ पर 400-500 भक्त बैठे, सबको कानों में सबका आवाज जाती है, और ये भगवान का नाम की आवाज जितने दूर तक जाएगा, भागवत कहता है जितने दूर तक जाएगा उतना दूर तक कोई भूत पिशाच डाकी निशाकी कोई अपदेवता राक्षस कोई रह नहीं सकते, जितना दूर तक इसका आवाज जाएगी। इसलिए मैं आपको इसलिए ज्यादा हरिनाम करवाता हूँ, कम से कम यहाँ बैठ कर तो गर्व करो। देखिए बच्चा भी हमको भागवत से एक सुंदर कथा सुनाएंगे, ठाकुर को भोग लगाने का कितना महत्व, अब ये कथा सुनाएगा, ये किस विषय पर कथा सुनाएंगे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम भी चाहेंगे, देखो हम भी चाहेंगे तुम्हारे बच्चे है ना, ये बच्चे जो कथा सुना रहे हैं ना, हम चाहते तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बने, चाहते हो? देखो इसको बाद में हम कुछ ऐसे कुछ करके जाएंगे, हर महीना में ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ये हर महीना में एक बार आएगा आपको गाँव, और यहाँ पर हम कुछ कुछ जो कथा करवा रहे हैं ना माताएं, इनके घर घर में हम जा रहे हैं, हर महीना में अलग अलग घर में हम कोशिश करेंगे। आप लोग जो जुड़ोगे और जोड़ना चाहते हो भक्ति करना चाहते हो, ये लोग महीना में एक बार आएंगे और आप लोगों को सुंदर सुंदर कथा सुना कर दी जाए। जैसे हमने एक पौधा बोया, अगर उसमें पानी देंगे तो पौधा बढ़ेगी ना, अगर पानी नहीं देते तो सूख जाएगी। ये पानी क्या है? सत्संग है। हम चाहते हैं आपका तो हमने पौधा लगा करके जा रहा, हम चाहते हैं ये पौधा यही रुक नहीं जाए, हम चाहते हैं ये पौधा में धीरे 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 ये पौधा बढ़ते रहे, हम ये चाहते हैं आपको छोड़ करके नहीं। हाँ, और एक चीज है, हम चाहते हैं जो परिक्रमा की बात है ना, कल है ये भागवत में सबसे बड़ा उत्सव कल होगा, जानते हो कौन सा उत्सव? कल श्री गिरिराज की पूजा है, गिरिराज महाराज की जय। ये गिरिराज की इतने महिमा, गिरिराज बाबा की कभी जो गुजर है ना, इनका देवता कौन है? गिरिराज बाबा है, और गिरिराज बाबा मोहन बाबा, गिरिराज बाबा तुम्हारी देवता है, हैं? ये ठाकुर स्वयं कहते हैं जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमता है, ये मेरे से क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, जो मांगो गिरिराज से परिक्रमा करते हुए गिरिराज वही दे देते हैं। इसलिए इनका नाम सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब आप गिरिराज से जो कुछ मांगोगे गिरिराज सब इच्छा पूरी कर देते हैं। आपके अंदर में कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए दर्शन की, हाथ उठाओ। वाह बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो गिरिराज गए एक चीज देखना, लख्य करके देखना, वो गिरिराज शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखे हो, बोले क्यों? गिरिराज की परिक्रमा करने जाते हैं और जितना शिला के ऊपर शिला रख देते ना, ठाकुर जी हमें इतने मंजिली मकान बन जाए, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान ठाकुर जी दे देते उसको, ये गिरिराज की महिमा है। इसलिए गिरिराज शिला के ऊपर में आप देखे होंगे
पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, उसमें धागा बंधा हुआ, देखे हमें ना क्यों, जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिनकी नौकरी चाकरी नहीं लगता है, आप देखना कोई साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कोई दूध की धार से कोई पर, क्यों कर रहे हैं? कभी ये गिरिराज से जो कुछ मांगो ना, गिरिराज सब इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं, इसलिए उनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, तो सारे इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं, इसलिए ब्रजवासी देखो इसकी इनकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों, कारण है दुनिया तो बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किया बोलो, गिरिराज, गिरिराज वो स्वयं, सारा दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गिरिराज की परिक्रमा किसने लगाई, स्वयं बांके बिहारी ब्रजवासियों को लेकर परिक्रमा लगाते हैं, सारा दुनिया भगवान को उठाते, ठाकुर जी किसको उठाए थे, गिरिराज को, बोले श्री गिरिराज महाराज की, इसलिए गिरिराज की परिक्रमा की दर्शन की बड़ी महिमा है, इसलिए कल हम लोग यहाँ पर श्री गिरिराज की उत्सव मनाएंगे, और भगवान स्वयं बोले ये गिरिराज की जब भोग में एक अन्न की दाना कोई भोग लगा देना, किसी जीवन में अन्न वस्त्र के घर में कमी नहीं पड़ेगा, ये ठाकुर जी कहते हैं, इसलिए कल आप लोग कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए बना करें, जैसे थोड़ा सूजी के हलवा हो, नहीं तो पूरी हो, कढ़ी हो, तो चावल हो, जो चीज बढ़िया घर में बनाते हो, जो चीज आप बढ़िया बनाते हो, थोड़ा ठाकुर नहीं तो कोई फल हो, नहीं तो कोई जो कुछ आना चाहते हो, लेकिन बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में कोई मिठाई हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ कल गिरिराज के लिए लेकर के आना, कल हम गिरिराज का अन्नकूट करेंगे, उसको बाद में आप जो प्रसाद लाओगे ये प्रसाद आपको ही मिलेगा, आप लोग जाते समय ये प्रसाद आप लोग कई सारे प्रसाद को आपको ही वितरण करेंगे, लेकिन कल जरूर खाली हाथ से कोई नहीं आना, क्योंकि ठाकुर स्वयं कहते हैं एक अन्न की दाना अगर उसकी सेवा में कोई लगा दिया, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, स्वयं ठाकुर कहते बात, बोले गिरिराज महाराज की जय। हम लोग और एक चीज हम विवेचना कर रहे थे, ये कर रहे थे, अगर आप लोगों का राजी हो, जैसे ये कथा जैसे विश्राम हो जाएगी ना, ये कथा जब विश्राम होगी, हम चाहते जिस दिन कथा विश्राम होगी, होगी 12 तारीख को, अगर आप लोग चाहोगे तो हम आपको लेकर गिरिराज के लिए, गिरिराज में परिक्रमा लगाने के लिए जाएंगे, उसमें दो परिक्रमा, एक बड़ी और एक छोटी, बड़ी अभी तो गर्मी का समय हो गया, गर्मी समय हो गया, अभी बहुत गर्मी है, अगर आप लोग चाहोगे जो छोटी परिक्रमा गिरिराज की, जिसको राधा कुंड की जो परिक्रमा है, हम चाहते हैं ये राधा कुंड की परिक्रमा को कराने के लिए, और ज्यादा समय मिलेगा तो फिर आपको बरसना दर्शन करा के ले आएंगे, इसलिए उसी दिन हम ये चाह रहे सवेरे सवेरे निकलो यहाँ से, एकदम सवेरे सवेरे 2 घंटा में यहाँ से पहुंच जाओगे, सर छोटी परिक्रमा करते हुए, माता जी बैठो तिलक लगाने के लिए, तिलक कुछ नहीं लगाना, चुपचाप बैठो, कथा में रुचि नहीं तिलक में रुचि, इसलिए उन्होंने आपको जैसे गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हुए अगर उसमें ज्यादा समय होगा, छोटी परिक्रमा करके फिर आपको बरसना दर्शन करा के फिर आप जिस दिन जाओगे उसी दिन फिर यहाँ पर वापस आ जाओ, उसी दिन जाओ और वापस आ जाओ, फिर खाने के लिए अपना घर से ही बढ़िया बढ़िया परोठा बना कर ले जाओ, बढ़िया बढ़िया पूरी जो तुम लोग खाते हो अपना मन पसंद तुम ही बना कर ले जाओ, खाने पीने का कोई झाबला नहीं, वहाँ जाओ दर्शन करो, छोटी परिक्रमा गिरिराज की लगाओ, गिरिराज की अभिषेक करो और परिक्रमा करके और बरसना दर्शन करके उसी दिन जाओ, उसी दिन आ जाओ, कौन जाना चाहते हो हाथ उठाओ, सही सही हाथ उठाओ, जो जाओगे हाथ उठाओ, ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हो एक काम कर सकते हो, आप लोग अंदर में कोई अपना जो बच्चे लोग बैठे है ना, एक व्यक्ति को नियुक्त कर उनका नाम लिख ले, जो जो जाओगे अपना नाम लिखवा दो, लिखवा करके फिर आप लोग ही बस करो, हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग ही बस करो, बस कर लो आप लोग, यहाँ पर देख लो हमारे बक्कल की बस होगा, बस करवा लो और अपना खाना ले जाओ, जो पैसा आप ही दो, हम लोगों को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको साथ में आप ही जाओगे, आप ही आओगे, लेकिन आपको साथ में जो बच्चा खड़ा हुआ है ना ये जाएगा आपको, क्योंकि 13 तारीख से फिर हमारी गली में कथा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इसलिए यही आपको साथ में जाएगा, आपको सुंदर सुंदर गिरिराज की कथा सुनाएगा और आपको परिक्रमा कीर्तन करके भी आपको परिक्रमा लगाएंगे,
और फिर आप लोग पास में फिर उसी दिन आप यहीं पर वापस आ जाओ। अगर आप लोग की इच्छा हो तो अपना किसी बच्चे को वह नियुक्त करो, सबका जैसे नाम लिखवा दे, कितने भक्त लोग जाना चाहते हैं उसी हिसाब से एक बस कर लो, कम पैसा में हो जाएगा। हम चाहेंगे जिसे कम से कम पैसा में, जितना केवल किराया लगेगा आपको उतना पैसा में जाओ, और उतना पैसा में घर का तो खाना लेकर जाओगे, खाने का तो कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल बस का किराया लगेगा, कम से कम पैसा में हो जाए और सबके सब परिक्रमा दर्शन करके वापस आ जाओ। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द, सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग थोड़ा पीछे बैठे हैं, जो लोग नहीं बोल पाए इस बार में, वापस एक बार जोर से बोलिए सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे ये जो लाइव भी जा रहे हैं, जानते हो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जर्मन सब जगह पर ये लाइव जा रही है। इसलिए मेरे पास में फोन आता है, वहाँ पर भी हमारे कुछ भक्त लोग हैं, कहते तो महाराज कौन सा गांव की कथा कर रहे हैं, गांव का नाम क्या है, तुगलकाबाद। बोले वहाँ तो बड़े भक्त है, बड़े ताली बजा रहे और खूब कीर्तन कर रहे, खूब नाच रहे हैं, वहाँ तो बड़े अच्छे भक्त। बोले हाँ और क्या, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भक्त है, तुगलकाबाद में पूरा गुजरी है, वहाँ पर तो गोपी यहाँ पर। ठीक मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिविराम श्री रघु स्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तुतिर्थ श्री श्रीमद् भक्तिविराम श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तुतिर्थ श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त हरिकथा श्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने जब गोकुल में जन्म लिया तो कंस ने अनेक अनेक प्रकार से उनको मारने की कोशिश करी, उन्होंने अनेक अनेक असुरों को भेजा। अभी भगवान जब कुछ थोड़े बड़े हुए तब उस समय पर उन्होंने क्या किया, बड़ी सुंदर सुंदर माखन चोरी और ये सुंदर सुंदर लीलाएं करना आरंभ किया, क्योंकि भगवान के जन्म लेने का एकमात्र कारण ये भी है कि करोमी विविध क्रिया। भगवान कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्तानां करोमी विविध क्रिया, मैं अपनी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो करता हूँ उसी के माध्यम से मैं अपने भक्तों को आनंद देता हूँ। देखो हम यहाँ बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। भगवान अगर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं नहीं करते तो क्या हम ये चीज श्रवण करते। इसी प्रकार भगवान की जब बाल्य चरित है, शुभदेव गोस्वामी ने जब बाल्य चरित का वर्णन करते आरंभ किया तब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं, और भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप है, भगवान पीताम्बर अभी कले में अब उन्होंने माँ यशोदा उनको सुंदर श्रृंगार करती है, कानों में बड़ा बड़ा काजल लगाती है आंखों में और कानों में सुंदर कुंडल से शोभित है, गले में करधनी पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, भगवान के बड़े सुंदर घुंघराले केश हैं, और सारी ब्रजगोपियां भगवान का ये बाल्य स्वरूप देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, बड़ी ही आनंदित हो जाती है। पूरे ब्रज के अंदर चर्चा हो रही है तो किसकी, भगवान के सुंदर स्वरूप की। अभी ब्रज से मथुरा या गोकुल से कुछ गोपियां दूध दही लेकर मथुरा जाती थी, नित्य उनका नियम था वहां पर दूध दही लेकर जाकर बेचने का। वहां पर मथुरा में एक फल बेचने वाली थी, एक फल बेचने वाली ने भी जब कृष्ण के इन सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना उसके हृदय में भी इच्छा हो गई कि मैं भी कृष्ण का दर्शन करूंगी।
बाद में मन में सोचने लगे कि मैं तो एक फल बेचने वाली हूँ, मैं तो इतनी दरिद्र हूँ, छोटे जाति की हूँ, क्या कृष्ण, कृष्ण कौन है? वो तो नंद के लाला है, नंद बाबा के बेटे हैं, तो क्या वो मुझे दर्शन देंगे? फिर भी सोचने लगी, चलो मैं एक बार जाऊंगी तो सही। तो आज ये फल वाली ने क्या किया है, मथुरा से फल बेचने के लोभ से ही क्या सोच रही है मन में कि बच्चों को फल बड़े प्रिय होते हैं, तो इसलिए मैं कृष्ण के लिए भी फल लेकर जाऊंगी और उसको फल के लोभ से ही बुलाऊंगी, कृष्ण फल लेकर बड़े प्रसन्न होंगे और मुझे उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो कृष्ण दर्शन की लालसा से, कृष्ण दर्शन की लालसा से आज वो मथुरा छोड़ के और गोकुल में आ गई है और नंद भवन के बाहर खड़ी होकर क्या चिल्ला रही है, फल कौन लेगा, फल केला ले लो, आम ले लो, ऐसे जिस तरह से फल वाले बिक्री करते हैं ना, नंद भवन के बाहर आकर और इसी तरह से कृष्ण दर्शन की लालसा से वहां पर फल बेचने की चेष्टा कर रही है। अभी पहले दिन जब वो आई तो कृष्ण के कानों में फल की आवाज गई, जब उसकी आवाज गई कृष्ण ने समझा हाँ मेरा भक्त बुला रहा है, किंतु प्रथम दिन कृष्ण नहीं आए, कृष्ण ने अपने सखाओं को भेज दिया, सब श्रीदाम मधुमंगल दाम सुदाम वसुदाम सभी सखा आए, उन्होंने फल वाली से फल लिए और खूब पेट भर के फल खाए। दूसरा दिन जब पूरी शाम हो गई कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, दुखी होकर फिर से मथुरा चली गई। अभी दूसरे दिन भी वही कृष्ण दर्शन की लालसा से आई है, दूसरे दिन भी कहती है नंद भवन के बाहर आकर फल कौन लेगा, फल। कृष्ण ने अभी फिर वापस अपने सखाओं को भेज दिया, दूसरे दिन भी सखाओं ने बहुत अच्छे से फल खाए और वह वापस चली गई। तीसरे दिन जब मथुरा से अभी ब्रज की ओर आएगी, मन ही मन में विचार कर रही है कि आज यदि मुझे कृष्ण दर्शन नहीं हुए, आज अगर नंद कुमार ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं ये अपना शरीर ही नहीं रखूंगी। कृष्ण दर्शन की लालसा जब इतनी तीव्र हो गई है तो पागलों की तरह मथुरा से ब्रज की ओर आ रही है, क्या मन में चिंतन हो रहा है कृष्ण के सुंदर स्वरूप का, उसको बाह्य सुखबुद्ध ही नहीं रह गई है। और नंद भवन के बाहर जब आ गई है क्या पुकारने लगी है, दामोदर कौन लेगा दामोदर, कृष्ण कौन लेगा कृष्ण, गोपाल कौन लेगा गोपाल। आज ये फल बिक्री करने वाली इतनी पागल हो गई है कृष्ण दर्शन की उत्कंठ लालसा से कि फल बेचना भूल गई और कृष्ण नाम की रटना लगा रही है। कृष्ण नाम जप करते करते कह रही है फल कौन लेगा। अभी कृष्ण नंद भवन के अंदर है, विचार कर रहे हैं कि आज मेरा भक्त बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, आज मेरे दर्शन की लालसा से उसका हृदय इतना तापित हो रहा है कि यदि दर्शन नहीं दिया तो प्राण ही नहीं रखेगा। अपने भक्त की वांछा पूर्ण करने के लिए भगवान अभी बाहर आएंगे। जब बाहर आने वाले थे माँ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, पैरों में अभी सुंदर नुपुर पहना रखे हैं माँ ने। अभी जैसे कृष्ण धुमक धुमक कर नंद भवन से बाहर जाएंगे तो नुपुर का शब्द होना चालू कर दिया, छम 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 करके जब नुपुर बज रहे हैं तो कृष्ण यहाँ पर सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो माँ को पता चल जाए। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले पूतना आ गई थी, पूतना जब आ गई थी नंद बाबा ने वहां पर कड़क पहरेदारी लगा दी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नंद भवन से बाहर ना जाए और कृष्ण के ऊपर तो विशेष निगरानी रखो, वो किसी अनजाने व्यक्ति से मिले ही ना। जब नुपुर छम 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 शब्द कर रहे हैं कृष्ण मनी मन चिंतन कर रहे हैं कि तुम मुझे अपने भक्त से मिलने में बाधा दे रहे हो, तुम मुझे अपने भक्त से मिलने में बाधा दे रहे हो। कृष्ण ने क्या किया, अपने दारी के तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। कृष्ण ने अपने नुपुर उठाए और घुटने की तरफ ऊपर चिपका दिए, जब पैरों से नुपुर चिपक गए अभी शब्द होना बंद हो गया, तब कृष्ण अभी फिर वापस धावित हो रहे हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। अभी पहले के समय में क्या होता था, किसी से कुछ वस्तु लेने के लिए विनिमय में कुछ देना पड़ता था। कृष्ण सोच रहे हैं यहाँ से मैं धान लेकर चला जाता हूँ, फल वाली को धान दूंगा और बदले में फल ले लूंगा। अभी ठीक से मुट्ठी भी बनाना नहीं आता, कृष्ण इस तरीके से मुट्ठी बना रहे हैं लेकिन बीच में उंगलियों में छेद है। क्या किया, धान उठाया और चलते जा रहे हैं, उंगलियों में क्योंकि बीच में जगह है इस वजह से धान गिरता जा रहा है। कृष्ण ठुमक ठुमक के चलते जा रहे हैं। यहाँ पर धान जब नीचे गिर रहा है, हमारे टीकाकार इसका कारण बतलाते हुए कहते हैं कि धान कौन है, ये गेहूं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। तो लक्ष्मी भी मान लो भगवान कृष्ण को आज प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, मैं तो आपके घर के एक कोने में पड़ी हुई हूँ, मैं किसी ना किसी दिन आपकी सेवा में लगूंगी, आप क्यों मुझे इस नंद भवन से बाहर भेज रहे हो, मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करती हूँ, मैं आपकी सब लीलाओं की साक्षी हूँ, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। धान गिरता जा रहा है और लक्ष्मी स्वयं प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप क्यों मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते चलते अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आज प्रभु नंद भवन के बाहर आ गए। सब पहरेदारों को चकमा देते हुए आज नंद भवन के बाहर आके और उस फल वाली को दर्शन दिया। जब वो फल वाली ने कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण का सुंदर स्वरूप देखकर बड़ी आनंदित हो गई,
आंख बंद करके और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का आस्वादन कर रही है। और तब कृष्ण से, कृष्ण को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई, वहां पर कृष्ण उसे कहने लगे, बोले माँ मुझे फल दे दो, मुझे फल दे दो। उस समय पर फल वाली कहती है कि मैं तुझे फल दूंगी, तू भी तो बदले में मुझे कुछ दे। बोले तुम बड़ी विचित्र बात कर रही हो, मैं सारी गोपियों के घर में जाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ मुझे माखन खिलाओ, तो वो मुझे माखन दे देती है। तुम कह रही हो बदले में कुछ दो, गोपियाँ तो मुझसे बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। तो यहाँ पर फल वाली कहती कि तुम उनसे कहते क्या हो, मैं उनके घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि माँ मुझे माखन खिला दो। तब यहाँ फल वाली कहती है, अगर तुम भी मेरी गोद में बैठोगे, तुम भी मुझे यदि माँ कह दोगे, तो मैं भी तुम्हें सब फल दे दूंगी। तभी उस समय पर कृष्ण मनी मन चिंतन कर रहे हैं कि फल बेचने वाली छोटी जाति की, कहीं ऐसा ना हो किसी ने यदि देख लिया, मैया को शिकायत कर दी, तो आज तो डंडे सारे पीठ पे ही पड़ेंगे। अभी कृष्ण मनी मन चिंता कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मन में फल खाने की इच्छा भी है। कृष्ण ने क्या किया, झट से उस फल वाली की गोद में बैठे, माँ बोला और झट खड़े हो गए। भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए क्या नहीं करते। उस फल वाली के हृदय में जब भगवान उसकी गोद में बैठे हैं, उसका हृदय तो आनंद से प्रफुल्लित हो गया, पूरा रोम रोम खिल गया। और अभी क्या करूं, कृष्ण कुछ सुबुद्ध नहीं है उसको, कृष्ण को सारे फल दे दिए। और कृष्ण जो दो चार दाने गेहूं के हाथ में रह गए थे, वो उसकी टोकरी में डाल दिए। सारे फल लेकर जब कृष्ण पुनः अंदर चले आए, सारी गोपियां, कृष्ण सोच रहे थे कि मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन वहां जो सारी गोपियां खड़ी थी, कृष्ण की और ही टकटकी लगाकर देख रही थी। हाँ, सब गोपियों ने माँ को पहले ही जाकर बोल दिया कि सुनो यशोदे, तुम्हारा लाला आज क्या करके आया है, किसी छोटी जाति की महिला की गोद में बैठकर उसे माँ बोला और उसके यहाँ से इतने फल लेकर आया है, वरना अनायासी कोई इसको इतने फल क्यों दे देगा। जब माँ यशोदा ने ये बात सुनी, कृष्ण मनीमन चिंतन कर रहे थे कि माँ मुझे बड़े डांटेगी, मुझे आज मार पड़ेगी, लेकिन मैया का नाम क्या है, मैया का नाम है यशोदा, यश ददाती इति यशोदा, वो सबको यश प्रदान करती है। मैया अभी यहाँ पर कहने लगी कि किसी को यदि माँ कह दिया तो इसमें क्या आपत्ति हुई, इसमें क्या आपत्ति हुई, ये मेरा लाला नहीं, ये तो पूरे ब्रज का लाला है, किसी को माँ कहा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी कृष्ण बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। माँ ने उसी समय पर फल हमारिया किए, ठाकुर को भोग लगाया और भोग लगाकर सभी को फल वितरण किए। यहाँ पर ये फल वाली जो थी, इसके टोकरी में जो चार पांच धान के टुकड़े भगवान ने डाले थे, ये पुनः जब कृष्ण दर्शन करके मथुरा की ओर जा रही है, फल तो सारे दे दिए थे, टोकरी तो खाली होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 भार बढ़ता जा रहा है। जब भार टोकरी में बहुत बढ़ गया, मनी मन चिंतन कर रही है कि ये क्या, फल तो सारे में ठाकुर की सेवा में दे आई, अभी ये भार कैसा। टोकरी जब उतार कर नीचे देखा, पूरे हीरे जवाहरात सोने मोहर की अशर्फियों से भरी हुई टोकरी, टोकरी पूरी सोने अशर्फियों से भरी हुई। अभी मनी मन चिंता कर रही है कि हे ठाकुर, आप मुझे क्यों इस माया में फंसा रहे हो, आप ये झूठी धन दौलत देकर क्यों मुझे वंचित कर रहे हो। मैंने आपको प्रेम किया, मैंने प्रेम से आपकी सेवा करी, और मैं क्या चाहती हूँ, आपकी सेवा ही चाहती हूँ। यहाँ पर देखो शिक्षा, कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि ठाकुर की यदि सेवा कर रहे हो तो विनिमय में कुछ जागतिक वस्तु मत मांगो, विनिमय में यदि कुछ जागतिक वस्तु मांगोगे तो ठाकुर वंचित कर देंगे। इसलिए उसने क्या किया, उस सब सोने अशर्फियों को यमुना जी में बहा दिया, और कहां वो चले गए उसका कुछ सुध-बुध नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं। अर्थ क्या, ठाकुर ने स्वयं अपने निज धाम को उसे पहुंचा दिया। जिसने ठाकुर को स्वयं फल खिलाए हो, क्या उसकी साधारण गति होगी, स्वयं गोलोक वृंदावन में उसको भगवान ने पहुंचा दिया। इसलिए इन सुंदर लीलाओं के साथ साथ में शिक्षा क्या देते हैं यहाँ पर, वही जो गुरुदेव भी बतला रहे थे कि यदि कोई ठाकुर को भोग लगाकर खाए तो ठाकुर भी आपकी झोली हीरे जवाहरात अशर्फियों से भर देंगे। और जागतिक संपत्ति की तो बात ही क्या, उसको परमार्थिक संपत्ति अर्थात गोलोक वृंदावन में ठाकुर स्थान देंगे। यहाँ पर हमारे टीकाकार एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पहले दिन जब वो फल वाली दर्शन करने आई, भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। दूसरे दिन जब दर्शन करने आई, तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन जब दर्शन करने आई, तब जाकर भगवान का दर्शन हुआ। तब यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि पहले और दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन क्यों। पहले और दूसरे दिन भगवान के सखा आए, इसलिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि यदि कोई मुझे खिलाना चाहता हो, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता हो, पहले मेरे भक्तों की सेवा करो। भगवान ने अपने सखाओं को पहले भेजकर क्या किया, उस फल वाली से उन भक्तों की सेवा करवाई। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं गीता में, ये मैं भक्त जना पार्था नामे भक्तश्च ते जना मद भक्ता नाम से जे भक्ता ते मे भक्त तमामता। क्या कह रहे हैं, जो लोग यहाँ अहंकार करते हैं कि वे मेरे भक्त हैं, जो कहते हैं कि मैं हम डायरेक्टली कृष्ण भक्त हैं, कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं। लेकिन यदि कोई कहे
अहम भक्तम तव परदासानु दासानु भवितास्मि भूय। सब प्रार्थना क्या करते हैं कि मैं आपके भक्तों के भक्तों का भक्त हूँ, तब कहते हैं कि वो ही मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए यदि कोई ठाकुर को खिलाना चाहे तो क्या करना होगा, पहले उनके भक्तों को खिलाना पड़ेगा, पहले उनके भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। ठाकुर स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं। और जिस प्रकार तीसरे दिन वो पागलिनी होकर और कृष्ण दर्शन की लालसा इतनी उत्कंठित होकर वो पागल प्राय होकर जब गोकुल में आई थी, यहाँ शिक्षा देते हुए बता रहे हैं कि अगर किसी को कृष्ण दर्शन करना हो तो उसी फल वाली की तरह पागल बनना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम की लालसा जब इतनी तीव्र हो जाएगी तभी जाकर भगवान दर्शन देते हैं। और सबसे मुख्य शिक्षा, भगवान को भोग लगाकर अर्पण करना। जो व्यक्ति अगर भगवान के भोग लगाकर खाता है तो उसकी बड़ी महिमा है। हम पहले इस विषय में कई विस्तृत रूप में श्रवण कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। वान शाकल पत्री सुलभ वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। देखो हम लोग 7 दिन तक कथा सुन और 2 दिन बाकी है, लेकिन ये जो भागवत कथा का सार क्या है, 7 दिन के बाद में हम भागवत कथा से क्या लेकर के हमें जानी चाहिए। नियम है ना, कुछ लो और कुछ दो। कहते ले क्या, बोले सारे गद्दी चीज को दे दो। बोले ले क्या, बोले भगवान के प्रेम को लेकर के जाओ, भगवान की प्रेम को लेकर के जानी चाहिए, इसलिए सारी गंदी चीज को छोड़ देनी चाहिए। बोले गंदी चीज क्या, बोले 4 चीज गंदी बताया, जिसको परीक्षित महाराज कलिजीव को उन्होंने 4 जगह पर स्थान दे दिया। बोले कहाँ कहाँ पर है, बोले दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये 4 तरह को पाप बताया। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्मराज हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गया, भाई गए, राज्य गया, मेरे पत्नी को भरी सभा में विवस्त्र देखना पड़ा और 13 साल तक जंगल में रहना पड़ा, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। हम लोग भी बच्चों को पतियों को भी कभी भी जुआ में हाथ लगाने मत दिया करना, ठीक है ना। पहला नंबर पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो। नस्ली वस्तु किया, बोले पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब, इस चीजों को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। गुटका, आप लोग तो कोई गुटका खाते नहीं, पुरुष लोग खाते हैं सब गुटका, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। जो गुटका है ना, गुटकर का पहला अक्षर क्या है, बोलो गुटका का पहला अक्षर क्या है, अरे बोलो जोर से, इसलिए गुटका नहीं है, है? इसलिए गंदी चीज है। इसलिए कहते शराब भी नहीं पीनी चाहिए, है? कहते जो शराब है, संतों का कहना है जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ है। कितना लाभ है, पहला लाभ है जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा, जिंदा रहेगा तब तो बूढ़ा बनेगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक माता जी तुम्हारी गुजरी कोई मेरे पास में माला लेने के लिए आई, उसको छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने पूछा ये बच्चों का पिताजी कहाँ गए, बोले वो तो मर गया। बोले कैसे, बोले पिता था और उसका पत्नी का उम्र 30 साल की और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हैं? इसलिए पहला लाभ क्या, बूढ़ा नहीं होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। दूसरा लाभ क्या है, कहते घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो पहले बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर दिया, चोरी किस चीज की होगी। और तीसरा जो लाभ है, कुत्ते दोस्त बनेंगे, मतलब कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा कुत्ता आकर के मुंह में पेशाब कर जाएगा। इसलिए ये सब चीजों को आप भी अपना बच्चों को सुना, आप भी अपना बच्चों को परिवार को सावधान करो ये सब चीज। लेकिन अभी ऐसे हो गया ना, अगर कोई शादी विवाह हो, है कोई शादी विवाह हो ना, अगर उनको शराब नहीं पिला मांस नहीं खिलाओ, बोले कि ये कौन सा तुमने शादी करवाई, बच्चे का कौन सा बर्थडे करवाए, तुमने शराब नहीं पिलाया, तुमने मांस नहीं खिलाया, नहीं ये सब काम नहीं करनी चाहिए, ये सब गंदा काम है। भले ही कोई आए और नहीं आए, वो आए और नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज को नहीं व्यवहार करनी चाहिए, है। इसलिए दुतम पानम,
तीसरा नंबर स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब है बोले स्त्रियों को ऊपर में भी कली का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, बात मत करो इधर देखो, बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुषों से मिलते हैं और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में घर गृहस्थी करनी चाहिए। बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो, शास्त्र एकदम निषेध किया है। अब भागवत पढ़ करके देखो, वहां पर पवित्रता कभी रह नहीं सकता है, हैं? इसलिए चौथा जो चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब होता है ये मांस खाना, मछली खाना, अंडा प्याज लहसुन आदि खाना। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा, देखो कुछ चीज हम अच्छी चीज बता रहे हैं सुन लो, कुछ कुछ लोगों का भावना है अगर मांस मछली नहीं अंडा नहीं खाएंगे शरीर कमजोरी नहीं हो जाएगा, हम लिखाई पढ़ाई कैसे करेंगे, हम काम धाम कैसे करेंगे। देखो कुछ चीज समझा रहा हूँ, आप भी समझो दूसरों को समझाना। एक तरफ में वेजिटेरियन, दूसरे तरफ में नॉन वेज। जो नॉन वेज मतलब जो मांस मछली खाते हैं, जैसे कुत्ता खाता है मांस, देखना जब वो थोड़ी दूर भागता है ना कुत्ता हंपने लग जाता है। देखना कुत्ता सोया हुआ होगा तभी वो हंपता हुआ देखोगे आप, डिस्कवरी खोल कर देख लेना। एक शेर को देखो, बाघ को देखो, मांस खाता है, लेकिन आप देखना जब अगर मांस खाता है ना दो दिन तक हाथ पैर फेंक करके सोता रहता है, और जीभ निकाल करके शेर को देखना हाथते हुए देखोगे। अभी वेजिटेरियन देखो, एक घोड़ा क्या खाता है, घास छोला खाता है। जब हम किसी मछली को साथ में उदाहरण देते हैं कितने हर्ष पावर, कितने तो किसको साथ में उदाहरण देते हैं, टाइगर पावर ना लायन पावर ना हर्ष पावर, कितने घोड़े। इसलिए हम तो वृंदावन में रहते घोड़ा गाड़ी वहां पर 10-10, 15-15 व्यक्तियों को बैठा करके एक घोड़ा खींच करके ले जाता है, हैं? इसलिए कितने हर्ष पावर उदाहरण दिया जाती है किसको साथ में, घोड़े को साथ में उदाहरण देते हैं। एक हाथी क्या खाता है बोलो, पेड़ पौधा खाता है ना, इतना बड़ा शरीर दुनिया में किसका है, इतने ताकत किसका अंदर में। एक बैल क्या खाता है, घास खाता है, दिन भर खेती में काम करता है। एक गधा क्या खाता है, घास खाता है। हम कहते ना तू गधे जैसे दिन भर काम कर रहे हो, ये सबके सब वेजिटेरियन, सबके सब कोई नॉन वेज नहीं है। इसलिए यहाँ पर दिखाया ताकत वेजिटेरियन में ही है, नॉन वेज में ताकत नहीं। इसलिए जितने बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम लो, फिलोसोफर का नाम लो ना, एक को भी आप नॉन वेज खाते हुए नहीं देखोगे। आइंस्टाइन जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हुए उनका जीवन चरित्र को पढ़कर देखो, इस सबके सब वेजिटेरियन थे, कोई नॉन वेज नहीं थे। इसलिए नॉन वेज खाने में ही लाभ नहीं है, वेजिटेरियन बननी चाहिए, ठीक है ना। और एक बात है, हमारा जो ये शरीर बना है ये बना है वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं। कर जितने जैसे कुत्ते बाघ शेर, इनका जो आंत जो हजम नाड़ी केवल 2 मीटर है, हमारी हजम नाड़ी 6 मीटर है जितने वेजिटेरियन है। इसलिए हमारी जितने हजम शक्ति कहते जानवर को 10 गुण ज्यादा उनका हजम शक्ति, इसलिए वो कच्चा मांस खा करके सीधा खा लेते हैं और उसको हजम कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मांस को ला करके उबला करके उसको मसला फसला दे करके जा करके तभी हम भोजन करते हैं, पता चुका बेटा। इसलिए जा करके तभी हम जा करके इस चीज को हम खाते हैं। इसलिए हमको वेजिटेरियन बननी चाहिए। देखो जैसे हमारा दांत है ना, जितने वेजिटेरियन का नाम बताया, गधे, घोड़ा, बैल, बकरी, ये सब वेजिटेरियन। हमारा दांत देखना बराबर है। और जितने नॉन वेज है मांस मछली खाने वाले, कुत्ते बिल्ली बाघ शेर, दांत कैसे नुकीले नुकीले दांत है, क्योंकि भगवान उनको मांसाहारी बनाए, इसलिए उनको पहले से दांत इनकी वैसे ही है, उनको दांत वैसे हैं। जितने नॉन वेज हैं देखना वो जो पानी पीते हैं ना जीभ से पानी पीते हैं, और जितने वेजिटेरियन को देखो वो जीभ से पानी नहीं मुंह लगा करके पानी पीते हैं। जितने नॉन वेजिटेरियन उनको आंख देखोगे रात को जलते हुए देखोगे, लेकिन जितने वेजिटेरियन नाम बताए आंख नहीं जलती है, हैं? इसलिए इसका नाम कहते मांस। मांस मतलब क्या है, मांग मतलब होता है मुझको,
सा मतलब होता है वह, तुम अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो दो बार खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट व ईट मी, मीट है ना, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, पर उल्टा तो ईट मी, तू अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को वही पर खाएगा। इसलिए भागवत में बताया, इस श्लोक भागवत में जे तो नहीं बम विदा संतु सदा सदभिमानी ना, जो इस जीवन में दूसरों को काट कर खाता है अगले जीवन में अरे वही उसको खाएगा, ये भागवत कहता है। इसलिए भागवत में एक छोटी स्टोरी आई, एक राजा था सुरत राजा, वो क्या करता था यज्ञ में पशु बलि देता था। अभी नारद जी का भेंट हो गए, बोले क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ में पशु बलि दे रहा हूँ, बोले इसका परिणाम क्या जानते हो, बोले क्या, बोले देखो। तो उन्होंने कमंडल से पानी लेकर के ऊपर छिड़काव कर दिया, शरीर छूट गया, देखा तीन जंतुत उसको गले में रस्सी बांध करके ले जा रहे थे, और जितने जानवर वो खाया था देखा लाइन कर खड़े थे, तलवार ऐसे खड़े करके। बोले भैया तुम लोग कौन है, बोले याद है पहले जन्म में तुम हमें खाया था, उसको प्रतिशोध लेने के लिए आई, उसको टुकड़ों टुकड़ों करके काट रहे थे, चित्कार कर रहा था बचाओ, बोले हमें जब काट रहा था। इसलिए कहते पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, हम जीवन में जो कर्म करेंगे, जैसे कि जानवर को मारते हैं वो जब हाँ भरता है, हाँ भरना समझते हो, वो जब कष्ट पा रहे हैं वो कष्ट को कौन भोग करेगा, खाने वालों को ही भोग करेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना, यहाँ तो लगता है कि गुजर गांव में कोई नहीं खाते होंगे, कोई नहीं खाते हो, बहुत आप लोग अच्छे हो जो ये सब चीज को नहीं खाते हो, है नहीं खाते हो। इसलिए वेजिटेरियन बन करके ठाकुर, और देखो पैसा, एक किलो अगर आप बकरी मांस खरीद करोगे ना, बोले 800-900 रुपया है एक किलो बकरी उसका मांस को, फिर मसला मसला देख रहे 1000 रुपया में एक किलो मांस लाओ खत्म। आप 1000 रुपया के साग सब्जी ले आओ कितना दिन जाएगा, 10 दिन तो घर में खाओगे, पैसा भी बच गया, शरीर भी सुस्त रहेगा, शरीर भी तुम्हारी सुस्त रहेगी, बीमारी भी नहीं होगा। डॉक्टर खाने में जाकर के देखो जितने सारे आमिष खाने वाले नॉन वेजिटेरियन सब डॉक्टर खाने में लाइन लगाते हुए देखोगे, जितने वेजिटेरियन बहुत कम को देखोगे बीमारी पड़े होंगे, बहुत कम लोग को देखोगे, क्योंकि वो हमारी भोजन नहीं, ये जानवर का भोजन है। इसलिए आप लोग कोशिश करना जैसे ये चीज छूट जाए, और शुद्ध रूप में भगवान की भजन करने के लिए हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 छोटी सी भागवत का कथा सुनाता हूँ, ये कथा को याद कर लेना। ये कथा में मैंने इतने लोगों को परिवर्तन किया, इतने लोगों को प्रभु का भजन में लगा जो सोच नहीं सकते हो। अभी ध्यान से सुनो, वो कथा में सुनाता हूँ, कथा सुनाने के बाद मैं किसको पूछ सकता हूँ, और वो कथा मेरे को जो दो बार सुना देगा उसको मैं इनाम दूंगा। ध्यान लगा कर सुनो, और घर में भी जाकर ये कथा सुनाना। अब जिसको ये कथा सुनाओगे ना वो भगवान के भजन में लग जाएगा। बड़ी प्यारी कथा है ये, माता जी ने मेरे को बोले महाराज जी आप ये कथा को सुना देना, बोले ठीक है ध्यान देकर सुनो। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी, चार। सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको बड़ा खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर रानी थी, चार रानियों में सबसे देखने में वो सुंदरी थी, सब चाहते ना मेरी बीवी बड़ी सुंदरी हो, इसलिए वो क्या करता था जब नगर घूमने जाता था वो रानी को सजा धजा कर रथ में बैठा लेता था, और सबको दिखाया करता था देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी कितने प्यारी। जब तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को बना बना करके मीठी 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 बोली बोलता था, सब चाहते ना घर में जब पति आए ऐसे नहीं सास का साथ में लड़ाई हुई देवर से ऐसे हो गया, घर में आ गए पति आते ही
सुनाना शुरू कर दो। नहीं, हर पति चाहता है घर बाहर काम करके आया हूँ, घर में जब आऊँ पत्नी इतनी मीठी मीठी बोली सुनाए जैसे मेरा सारे परिश्रम खत्म, यही चाहते ना। इसलिए नियम है जब घर में पति आए बहुत सारे महाभारत शुरू कर दो। नहीं है, इसलिए पति को मीठी मीठी बात बुलाओ, मीठा पानी दो, उसको बैठाओ, गर्म गर्म रोटी दो, पंखा जिला। इसलिए उसको जो तीसरे नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बात बोलती थी। इसलिए राजा घर में आकर के उसको साथ में बैठता था और उसका मीठी मीठी बोली सुनकर बड़ा खुश होता था। मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी, लेकिन जब से वो घर में शादी करके आए ना, राजा उसको साथ में कोई संबंध नहीं रखता था। कभी नहीं बोलता था तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको नहीं बोलती थी बोलता था। इसलिए वो रानी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा के मरने का समय आया, देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे मैं प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ देता है। तब उन्होंने सबसे पहले बड़ी रानी की नंबर आई। आप बताओ बड़ी रानी कौन थी? इतना जल्दी भूल गए, कथा कैसे सुनाओगे? अरे बोलो बड़ी रानी कौन थी बोलो? नहीं, हाँ, जिसको राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था। इतनी जल्दी भूल गए कैसे? ये भागवत का यही सार है। बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। अभी सबसे पहला बड़ा रानी की नंबर आई, बोले रानी तेरे को तो मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था। बोले हाँ। बोले मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे दी। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए मैं जो इतना की, बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा तो दुखी हो गया। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी बोलो? सबसे जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर है। बोले रानी तू क्या करोगी? बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँ। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले तू दुनिया को दिखाए ना मेरे को, मैं कितने सुंदर थी तो पहले ही मेरे को दुनिया को दिखा दिया, इसलिए मैं जहां जाऊंगी मेरे को ही पसंद कर लेगा, इसलिए मैं तो दूसरे से शादी कर दूं। भगवान ये क्या बोलती है, कोई शर्म तक भी नहीं। अभी उन्होंने तीसरे रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? मीठा मीठा बोलता था। बोले रानी तू क्या करोगी, चलोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम का आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजे तक चलना थोड़ी चलना है। अभी चौथी नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में कभी पूछता नहीं था, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। अभी राजा सोच रहा है इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों? जिनके लिए करोगे उसको तो पूछ सकते हो, लेकिन राजा तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, पर पूछेगा कैसे? सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। बोले रानी साथ में चलोगी? चल, सुनते ही रानी तो एकदम क्रोध में एकदम तमतमा, शर्म नहीं लग रहा है? तो जब से शादी करके लाए हो तब से एक बार भी मेरे तरफ झांक करके देखा? कभी तुमने पूछा तेरे साथ पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? तू लौकिक खातिर से भी तुमने मेरे को पूछी नहीं और अंतिम समय में बोल रहे चलोगी? बोले मैं तो पहले ही सोच रहा था जहां पूछू कि नहीं पूछू। बोले राजा मैं तुम्हारी रानी हूँ, तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगी, बिना खाए तेरे को खाना खिलाऊंगी और कोई भी विपत्ति आ जाएगी तेरे कंधे में कंधे मिला के रखे चलूंगी। जब उसने ये बात को सुनना राजा तो अक्के बक्के चक्के रह गए। हे भगवान, जिनके लिए मैंने जिंदगी दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ना, ये भागवत का सार यही कथा है। इसका शिक्षा अगर हम अपना जीवन में उतार लेंगे तो समझो आज से तुम्हारे जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसको ध्यान देकर सुनो, इसमें शिक्षा क्या है। हम सबका भी चार चार रानियां हैं। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस समय में जिस चीज की मांग करती है ना, भले ही हमें चोरी बदमाश कुछ क्यों करना नहीं पड़े,
ला करके उसको इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आ जाएगा वो हमारे साथ देने वाले नहीं। कभी वो कौन है, कभी हमारी शरीर है, हमारी शरीर व अपनी आप। सबसे जगत में किसको हम प्रेम करते हैं, अपनी आप को, इसी शरीर को। वो जिस समय जो मांगती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे, चलो ब्यूटी पार्लर में सजा करके ले आए, बोले मॉल में चलोगे ऐसी साड़ी पहनने के लिए, बोलो वही से सूट सलवार खरीद करके लाएंगे, गोलगप्पे खाओगे देखो वहां पर बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं, पराठा खाओगे देखो वहां पर बहुत बढ़िया पराठा है, चलो तेरे को खिला करके लाएंगे। ये शरीर हमें जिस समय जिस चीज की मांग करती है उसको इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय आया शरीर से पूछे चलोगी, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब शरीर से वो हंस उड़ करके चले जाए ना, जिस शरीर को हम इतने प्यार करते हैं एक अदब भी ये नहीं चलेगी, वो यही रह जाएगी। दूसरी नंबर आए जो सबसे सुंदरी, कर सबसे सुंदरी कौन है, कितना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी है, हैं? जिनको दुनिया को दिखाते हैं, मतलब क्या, पैसा बढ़िया रहेगा, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया हम दुकान मकान, बढ़िया घर बनाएंगे, हाँ बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। अभी जब अंतिम समय आया तो वो पैसा से पूछे भैया तू साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कम भरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, जिसको पास में पैसा अभी भोग कर रहा है, पैसा शरीर छूटते ही बच्चों का नजर कहाँ रहता है, कितने फैक्ट्री कितने दुकान मकान कहाँ पर है, शरीर छूट गया। हमारे गांव में देखा उनको चार ही बच्चे थे डंडे लेकर के आ गए, बोले पिता का शरीर तभी उठेगा पहले बंटवारा हो जाए, उसको बाद में कोई उठाकर तो डंडा मारेंगे हैं, इसलिए कितने कष्ट से पैसा कमाते हैं। ये सबसे सुंदरी, लेकिन वो क्या कहती है, तू मरते ही दूसरे से शादी कर लूंगी, मतलब दूसरों के पास में जाएगा, जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, इसलिए वो भी गई। इसलिए अगर किसको बोले ना भैया थोड़ा भगवान का नाम जप कर, बोले पैसा कमाने ना, बोले किसके लिए, बोले बच्चों के लिए। हमारे गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, वो हो ना हर होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना, जो पैसा कमा करके जा रहे हो दारू मांस जुआ खेलकर सब खत्म कर देगा, हाँ इसलिए ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी रहेगा अगली जीवन में तेरे पास में रहेगा, भगवान का नाम है। तीसरी पत्नी आई, तीसरी पत्नी कौन थी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, कहती ये कौन, बोले परिवार वाले, जिनको साथ में बैठ करके हम सुख दुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से बोले चलोगी, बोले हाँ चलोगी, लेकिन दरवाजा तक चलोगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, तेरे साथ में मैं नहीं जाने वाले नहीं, वो भी मना कर दी। अभी चौथी पत्नी आई है, चौथी पत्नी आई, राजा जिसको कभी जिंदगी में पूछा भी नहीं, ध्यान नहीं दिया, बेकार मान कर रखा था, लेकिन उससे जब पूछा ना वही जाने के लिए तैयार है। कहती ये कौन है, भगवान की भजन, भगवान का नाम, किसको बोलो ना थोड़ा हरिनाम करो, बोले सब बेकार काम, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब बैठे करके हरे कृष्ण करते रहते। हमारे बहुत सारे काम, टीवी देखना ना, स्मार्टफोन देखना, बेटी बहू की बात करना, घूमना है हमें, कितना काम, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब बैठ करके हरे कृष्ण करते रहते, उसको जीवन में संपूर्ण निगलेक्ट करके रखे। लेकिन अंतिम समय जब आए, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, बोलेंगे तेरे बेटा सच्चा, तेरे बेटी सच्चा, तेरे बीबी सच्चा, तेरा नाती पोती सच्चा, बोले सब कोई बात छूटा है, वो जो जिंदगी बताया ना, एक सुई धागा तेरे साथ में नहीं जा रहे हैं, सब छोड़ करके ही तेरे को जाना पड़ रहा है, केवल साथ में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम लिया वही धन जा रहे हैं, और जग में सभी खुवायो, जग में सब गया, जगत में सब छूट कर दी। इसलिए अंतिम समय में वो कोई काम में आने वाले नहीं, इसलिए मीरा कहती है कहां से ये धन मिली, बोले दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोले ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त सवाय, ये धन चोर नहीं ले सकता, लूटने वाले नहीं, फूटने वाले नहीं है, ये धन केवल बढ़ती रहती है, अगर इसको पत्नी कमाएगा ना, पति नहीं ले सकता है,
पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते हैं, बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते हैं। जो कमाएगा वही इसी जीवन में आप भी मालिक बनोगे, अगले जीवन में पूरा के पूरा तेरे साथ में जाएगा, पूरा के पूरा साथ में जाएगा वही। इसलिए मीरा कहती है तीन तीन बढ़त सवाय। पहले मैंने बताया ना, जब चैतन्य महाप्रभु को बोले भोजन करने के लिए, भगवान कहते हैं मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ, बल्कि किसको घर में करता हूँ, जो लखपति, आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर, भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु 100 रुपया भी नहीं है हमारे घर में, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर। भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे सो मालामाल हुए, और माया के जो बने पुजारी केवल दुनिया का पैसा पैसा करते करते मर गए, आखिरी वो कंगाल। इसलिए ऐसे पैसा कमाओ, देखो मेरे तरफ में कैसे करोगे, दो बार दिखा देता हूँ लखपति कैसे बन गए। कुछ दिन पहले आता था ना अमिताभ बच्चन बोलता था ना कौन बनेगा करोड़पति, आता ना कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। देखो लखपति कैसे बन गए, जैसे ये माला शिखर जाओ यही चीज को, जैसे ये अंगुल को हम माला में स्पर्श नहीं कराते हैं, ये अंगुल गंदा अंगुल सबसे पहले निकलता है, तेरे को हम देख लेंगे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए सीधा रखते हैं, बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके जैसे हरे कृष्णा, मेरे साथ में बोलो सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। एक मती सरकार थे, दो बार बोल कर दो मती, देखो 1 लाख कैसे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 बार हो गया एक बार, इसमें 108, जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करना, इसको फिर घुमा देना, फिर दूसरे तरफ से करना, अगर इसको इसे 16 बार कर लिया ना हो गया 25,000, अगर हमने 64 बार कर लिया तो हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं तुम्हारे नाम पर बैंक में पैसे, तुमने माला नहीं किया माल इकट्ठे किए, तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया। बोले ब्याज कितने मिलेगी, बोले दीन दीन बड़त समाय पायो जी मैंने राम रतन धन। इसलिए आज अगर 1 लाख किया ना कल तुमको 1.25 लाख, और 4 दिन में 2 लाख, इतने तेजी से बढ़ती है ये धन है, और यही धन ही मालिक अगली जीवन में, ठीक है ना। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये 4 रानियों में सबसे ज्यादा आपकी प्रेम किसको करोगे, कहानी को समझ गए। देखो केवल बोलने पर नहीं होगा, जैसे आपका कोई बीमारी किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गई, बीमारी बता दिया, उसने पर्ची लेके दिया ये दवा खाओ, अगर ये पर्ची को पकड़ में रखोगे क्या बीमारी सही होगी, दवा लेना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा तब तो बीमारी सही होगी, ये चीज तो समझ गए। लेकिन अभी क्या करना है, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, मतलब आज से कल कर सो, आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी, इसलिए नियम है हरिनाम करना शुरू कर दो, ठीक है ना। लेकिन नियम है माला तो करनी चाहिए, लेकिन किसी साधु से लेकर के, अकेले अकेले नहीं, जैसे कल सुन रहे थे गला में कंठी तिलक की बड़ी महिमा है, लेकिन ऐसे नहीं अपने आप माला खरीद कर गले में पहन लिया, नहीं, ये नियम है किसी साधु से लेनी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे कोई गोली, गोली अगर हाथ में लेकर किसको मारोगे लगेगा तो है थोड़ी बहुत, लेकिन वही गोली को जो बंदूक में लगा कर मारोगे फिर तो प्राण ले लेता है। ये कृष्ण नाम वैसे करोगे तो फल कुछ ना कुछ देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जब किसी साधु से लेकर करेंगे फिर तो इस पार से उस पार, मतलब क्या, यही भगवान का नाम हमें भगवान तक पहुंचा देगा, ठाकुर तक ये नाम पहुंचा देता है। इसलिए बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए आज कुछ माताएं आई थी अड़स बड़स के, और कुछ कुछ माला लेकर गए हैं, अगर जिनकी इच्छा होगी हम भी माला लेकर के, देखो माला हम 2 तरह से करते हैं, एक तरह से अगर जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं
पर हम उसको तुलसी माला देते हैं जप करने के लिए, गले में भी तुलसी कंठी देते हैं। लेकिन जो बोलेगा इतने जल्दी हम छोड़ नहीं पाएंगे, फिर हम उसको नीम माला देते हैं। ये माला से प्रैक्टिस करते रहो, जब भगवान के नाम करते रहेंगे ना, धीरे धीरे ये चीज अपने आप हमारे छूट जाएगी, अपनी हमारी छूट जाएगी। लेकिन माला जरूर लेकर के जाना, ठीक है ना। कल जिसकी इच्छा होगी सवेरे 8-9 बजे अगर आओगे, हम कहाँ पर रुके हैं, इनके घर में, क्या नाम है, वीरेंद्र नेताजी, इनके घर में हम रुके हैं, जिनकी इच्छा होगी। इसलिए आप कल सवेरे आ करके माला को अब ले करके आप भी जब कर... इसलिए ब्रज में सबके सब राधा जी का नाम लेते हैं, और राधा का नाम लेते ही बिहार जी भागते भागते आते हैं। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, भैया आपका राम, अरे वहां सीमा दीदी, अरे सीमा दीदी वहां पर हरे वाला मत करो, चुप चुप 2 मिनट चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। अरे इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, आप तो राधे राधे खूब बोलते हो, लेकिन ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है, फिर ये भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। आप भागवत ग्रंथ पढ़ करके देखोगे ना, राधा जी का नाम आपको सहज में ही मिलेगा। फिर आप इतना राधे राधे बोलते, भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं। देखो ध्यान से सुन लो, कहते भैया भागवत में तो कण कण में ही राधे राधे, राधा जी का नाम सिवाय तो भागवत में कुछ है ही नहीं। क्योंकि भागवत इस ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् श्री मतलब क्या, लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी कौन है, राधा रानी। श्रीमद् भागवतम मतलब होता है प्रेम, कहते ये भागवत नहीं, ये राधा रानी का साक्षात प्रेम ही है श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसकी कण कण में श्री राधा जी का नाम। फिर प्रश्न होता है, फिर राधा जी का नाम को भागवत में स्पष्ट रूप में लेकिन नहीं क्यों नहीं बताया। ध्यान देकर सुनो, कल सबसे पूछूंगा क्यों कैसे है तो कैसे है और नहीं तो क्यों नहीं है, ये चीज को समझो। इसका पहला टीकाकार के बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम श्रीधर स्वामी, वो कहते हैं, कहते ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुख श्री प्रसवानुजाया, ये राधा रानी का प्रिय सुख है, जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा जी का नाम लेते थे, वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा अगर 6 महीना बेहोश हो गया, मेरे पास में केवल 7 दिन कथा सुनाने का, फिर भागवत कैसे पूरी होगा, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण बताए, आप लोग हाथ में मेहंदी लगाते हो, कौन कौन मेहंदी लगाते हो, सब लगाते हो, आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो, आप बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है, हरा है, लेकिन क्या सचमुच से वो हरा है, क्या है, लेकिन ऊपर क्या दिखती है, हरा, उसको पीसो तब भी देखोगे हरा है दिखता, लेकिन जब माताएं हाथों में लगा देते हो मेहंदी, फिर जब कौन सा रंग हो जाता है, लाल, और ऐसे लाल होता ना महीना तक भी नहीं छूटती है, हैं? उसी तरह भागवत को देखोगे ऊपर से पूरा दशम स्कंध देखो कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन अंदर में क्या देखोगे, राधे 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 राधे, क्योंकि कहते आत्मा तो राधिका एव, कृष्ण का आत्मा कौन है, श्री राधा रानी। लेकिन निकलेगा कैसे, बोले पिसो, पिसो मतलब भजन करो, भजन करोगे तो ना सर्वत्र राधे राधे। तीसरा कारण बताए, जैसे एक बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, चिड़िया जानवर इंसान, लेकिन कुएं में कोई पानी हो ना, देखना कुएं का पानी सब नहीं पी सकते, कौन पिएगा, जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो वही केवल कुएं का पानी पी सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कहते कृष्ण भक्ति एक बहता हुआ नदी का पानी, कृष्ण भक्त सब कर सकते हैं, लेकिन भैया किशोर जी की राधा जी का भक्ति इतने आसानी नहीं, तब जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होगा ना वही केवल राधा जी की भक्ति कर सकते, मतलब क्या है, ध्यान देकर सुनो, जब तक तो कोई रस्सी की भक्त के साथ में नहीं जुड़ोगे, जब तक तो कोई रस्सी की भक्त, कौन रस्सी, जो राधा जी की एकनिष्ठ होकर के भक्ति करते हैं,
जब तक ऐसे भक्तों के साथ में नहीं जुड़ोगे ना भैया, तुमको राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे भक्तों के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे रस भक्त लिए जो भगवान को निराकर ही करते, फिर राधा जी की भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए राधा, अगर राधा जी की भक्ति बनना चाहते हो, शास्त्र कहते हैं अनाराध राधा पदा भोज रेणु, पहले तीन चीज को अपनाओ तभी राधा जी की भक्ति नहीं तो मिलेगी नहीं। बोले तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, जब तक श्री किशोर जी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरे चीज राधा रानी को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम। तीसरा चीज राधा जी की भक्ति रस में जो संत डूबे हैं, ऐसे संतों का आश्रय करोगे राधा जी की भक्ति मिलेगी, नहीं तो राधे राधे बोलने से नहीं मिलेगी। ऐसे गुरु जी को पास में गए जो राधा जी का नाम ही नहीं लेते, राधा जी का भक्ति नहीं करते और कहां निराकार निराकार निर्विशेष रटते रहते हैं। बोले भैया ऐसे भक्तों की शरण लो जो राधा रानी की चरण की जो आश्रय किए हुए, नहीं तो भैया राधा रानी की भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत में कण कण में राधा जी का नाम प्रकट जो है ही नहीं। लेकिन हम आज के समय हो गया, कल हम सुनाएंगे भागवत में राधा जी का नाम कहाँ था और किस किस रूप में सुखदेव गोस्वामी राधा जी को छुपा करके उन्होंने लिए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब राधा जी से प्रश्न करते हैं, हे राधे तुम्हारे नाम कैसे लूँ, स्वयं राधा रानी का आदेश, मेरे मेरे नाम को छुपा करके लो, स्पष्ट रूप में नहीं लो। बोले कारण क्या? जैसे जैसे आप माताएं बैठे हैं ना, देखना एक माता अगर घूंघट खींच करके चलती है ना, सारा दुनिया उसको देखेगी कैसे कैसे। लेकिन एक भले ही काली कलुटी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर एक सुंदर से सुंदरी घूंघट उघाड़ करके चलती है ना, बोले कितना ऐसे चलती रहती। प्रेम को जितने छुपाओगे वो प्रेम का महत्व है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में सबके सब माताएं क्या करती हैं, घूंघट उघाड़ कर चलती हैं। अभी भी गांव में देखो, गांव में अभी भी जाओगे ना, इतने बड़े घूंघट, और वहाँ गुजर घर में तो गए, इतने बहू है ना, अभी भी बहुएं घूंघट करती हैं, अभी भी घूंघट उतारती, बहुत अच्छी बात है। ये संस्कृति को आप लोग रक्षा कर रहे हो, मानो हमारी सनातन धर्म को तुम ही रक्षा कर रहे हो। इसलिए अपना लिए तुम ताली बजाओ जो पर्दा करते हो। इसलिए पर्दा कर, इसलिए भागवत में राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लिया। प्रेम को जितने छुपाओगे, जैसे पिपरमेंट सेंट होता ना, छिप 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 उसको बंद करके रखते हैं, खोलोगे तो सब उड़ जाएगी, खोलोगे तो उड़ जाएगी। इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में नाम नहीं। इसलिए श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा श्रीदास, लेकिन घर में कोई लाली नहीं, इसलिए वो सोच रहे घर में एक लाली आनी चाहिए। क्योंकि घर में जब लड़की होना, देखना कहते घर में लक्ष्मी आई, और जो जिस घर में बेटी दान देते हैं ना, उनका हाथ ऊंचा रहता है और बेटा का हाथ नीचे रहता है, रहता कि नहीं? बेटी का हाथ ऊंचा रहता है, मतलब हर समय का हाथ ऊंचा रहता है, हैं? इसलिए बेटी आते ही घर में दान देखना शुरू हो जाती है। लेकिन लोग ना, बेटा आए तो दुखी सुखी होते, बेटी आने पर सुखी होते हैं। भैया मैंने सारा दुनिया घूमता, मैंने देखा जिसकी बेटी है ना, कभी कभी घर में बहू इतने लड़ाई झगड़ा करती है, लास्ट में पिता माता घर से निकल जाते हैं, जानते हो कहाँ आश्रय लेते बेटी को पास में। मैंने कितने जगह पर देखा, लास्ट में पिता माता बेटी को पास में जाकर आश्रय लिया, भले ही बेटी शादी करके चली गई, वही से खबर लेती है मेरे पिताजी कैसे, मेरे माता जी कैसे। कोई सुख दुख हो ना, हर सुख दुख में खड़ी हो जाती है बेटियां। अगर घर में अगर बेटी नहीं हो, घर में माताएं अगर आप लोग नहीं होना, कि दुनिया रहेगा? दुनिया अगर बेटा 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 हो जाएगा, फिर दुनिया में रहेगा? इसलिए अभी मैंने कोई यूट्यूब में देख रहा था, वो कौन सा कि बढ़िया परिवार में बेटा बेटा करते करते ऐसे हो गया, अभी बेटा का एक प्राय इतने बेटी कम हो गई, हर जगह पे रहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका परिवार में ऐसे हो गया। बोल रहे थे कहते अभी 50-30% लड़कों को उसी जाति में बेटी नहीं मिल रही, बेटी नहीं मिल रही, वो कुंवारा रह रहे, बेटी नहीं उनके परिवार में। इसलिए चिंता मत करो, जिस घर में बेटी आती है ना, मैंने देखा जिस घर में जितना बेटी होगा उतना लक्ष्मी घर में आती है, मैंने स्वयं देखा उतना घर में लक्ष्मी आती है, पैसा उतना ज्यादा आती है, क्योंकि माताओं को स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूपणी बताई। इसलिए आप लोग ये नहीं समझो नहीं घर में बेटी हो गई नाना नानी की तो अवस्था खराब हो जाती है बेटी आ जाए तो, है ऐसे नहीं।
बेटी आए तो समझो घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी रूप में उनको आदर और की पूजा करनी चाहिए। देखो वृषभानंद महाराज कह रहे हैं घर में तो बेटा लेकिन बेटी नहीं, बेटी होनी चाहिए। एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त में यमुना में जब स्नान के लिए गए, देखा एक सततल कमल पुष्प ऊपर में एक किलकारी मारते हुए एक सुंदरी बच्ची लड़की वो बहते ही आ रहा है और शरीर की तेज से चतुर्दिग उद्भासित हो रहा था। जब वो बेटी इनको तरफ में बहते बहते आ रहे, इतने में श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और वो लाली को राधा रानी को उन्होंने गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की, और अपना पत्नी कृतिका सुंदरी को दिया। बोले देखो ठाकुर जी हमें एक लाली दिए हैं, अभी उन्होंने अपना लाली रूप में पालन कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कृष्ण तो जन्म हो गए 15 दिन पहले, कृष्ण जन्म हुई, राधा रानी 15 दिन छोटी है, कृष्ण तो अकेले आएंगे नहीं, जरूर उनकी शक्ति भी कहीं आएगी। उन्होंने ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने आए कहाँ पर, रावल में आए। वृषभानंद महाराज को पूछे घर में कोई संतान भाई, श्रीधाम को दिखाए, बोले ये, बोले कोई बेटी हुई, क्यों को गए, क्यों बेटी को उन्होंने यमुना से प्राप्त हुई, बोले बोलो ना। बोले हाँ एक बेटी भी हुई। बोले लेकर के आओ। जब उन्होंने बेटी को लेकर के आए ना, श्री नारद जी तो भैया ने, भैया यही इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, हैं ये तो सोच रहा है लाली, लेकिन ये लाली नहीं, ये कौन है। बोले रमेश्वरी खेमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी हैं त्रिवेद भारतीश्वरी रमेश्वरी खेमेश्वरी श्री राधे के नमस्ते। ये जो श्रीमती राधा रानी साधारण नहीं, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी जितने शक्ति कहाँ से प्रकट हुई, ये ईश्वर जी से प्रकट हुई। राधा रानी कोई साधारण नहीं, जिनकी चरण की नुपुर की झंकार से ये वेद पुराण उपनिषद जिनकी झंकार से प्रकट होती हैं, और इत राधा रानी इतने महिमा विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी जी को पूजा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करते हैं, श्री राधा रानी को। वृंदावन में जाओगे तो सेवा को जो देखोगे, जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर राधा जी की चरण की उन्होंने सेवा की है, इसलिए उन्होंने पहचान गए और चाहते हैं थोड़ी सी उनको आशीर्वाद करने के लिए बहाना बनाया। बोले जाओ थोड़ा फूल फूल ले आओ, बेटी को हम आशीर्वाद देंगे। जब गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, सखियां प्रकट हो गई, नारद जी बड़े सुंदर उनको स्तुति करते हैं। इतने में राधा रानी कहती है देखो बाबा अभी तुमको नारद कुंड में दो बार में दर्शन दूंगा। फिर नारद जी गिरिराज को आश्रय करते हुए जब नारद कुंड में तपस्या की, फिर श्रीमती राधा रानी स्वयं उनको दर्शन देती है। बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ देखो कल श्री गिरिराज पूजा, आप लोग गिरिराज के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बना करके लाना, कोई फल ले आना, थोड़ी मिठाई ले आना जो बना सकते हो घर में, अगर बढ़िया चीज कोई जो बढ़िया कोई हलवा हो कोई मिठाई हो थोड़ा कुछ ना कुछ लेकर के आओगे, कल हम गिरिराज की पूजा करेंगे, वो प्रसाद आपको ही मिलेगा सबके सब। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ दोनों आ जाओ। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानंद महाराज की जय। बोले श्री कृतिका सुंदरी की जय। जय श्री राधे। उठा दो आप लोगों से निवेदन है जी, आगे आके आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ये भारत में राधा वल्लभ जी का एक संप्रदाय का कवित्व है, उसके बाद बधाई आरंभ करेंगे। धन्य धन्य जननी जन जाई धन्य काम परसानो पेरो यहाँ पे खेलन आई मुक्ति मुक्ति तेरे द्वार पे ठाड़ी आंगन करे जय जय श्री राधा।
ब्रज गोपियां भगवान महाराज के द्वार से कहा कह रहे हैं, लाली आई रे बरसानी चलो झूम झूम से, चलो झूम झूम से लाली आई रे, लाली आई रे चलो झूम झूम से, लाली आई रे झूम झूम से, चलो चला।
I'm gonna
जय।